दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वार पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जर्मनी का खूब अपमान किया गया था। जर्मनी के लोग नाराज थे, साथ ही जर्मनी की सेना भी, और इसी का फायदा उठाते हुए श्री हिटलर जी महाराज जर्मनी के चांसलर बन चुके थे। शुरू में तो उनके काफी विरोधी थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को मसाला लगाकर अपनी जनता में खूब परोसा। बिचारी भोली जनता और जर्मनी की आर्मी अपने प्रथम विश्व युद्ध के घावों को भरने की कोशिश पहले से ही कर रही थी, और उन्हें एक हीरो की जरूरत भी थी, और उन्हें अब वह हीरो हिटलर के रूप में मिल चुका था। धीरे धीरे हिटलर की ताकत बढ़ने लगी और राष्ट्रवाद की भावना का पूरा फायदा उठाते हुए एक दिन हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। उसने अपनी आर्मी को और मजबूत किया, क्योंकि उसे अब बदला चाहिए था। उसे वो ट्रेन का डिब्बा वापिस चाहिए था जिसमें बैठकर कभी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी, और इस तरह से वो अपने काम पर लग गया। लगभग उस समय 8 करोड़ की आबादी वाला देश जर्मनी कब सुपर पावर बन गया किसी को पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के सारे नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसका सीधा सा प्लान था चेकोस्लोवाकिया पर हमले की शुरुआत करते हुए पोलैंड को जीतना, फिर बेल्जियम पर हमला करते हुए स्वीडन और नॉर्वे को जीतना, तथा फिर बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर हमला करना, और फिर इंग्लिश चैनल को पार करते हुए ब्रिटेन पर हमला करना। दूसरी ओर वह यूएसएसआर पर भी हमला करना चाहता था, लेकिन शुरू में उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस अभी भी चुप रहे, जिसके बाद उसने यूएसएसआर से समझौता किया पोलैंड को लेकर। यह एक चौंकाने वाला डिसीजन था, क्योंकि फ्रांस और यूएसएसआर के बीच पहले ही एक ट्रीटी साइन हो चुकी थी। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन यह सोचता था कि सबसे पहले ये पश्चिमी देश आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाएं, जिसके बाद वो इन पर हमला करेगा। लेकिन स्टालिन को यह नहीं पता था कि हिटलर उन्हें ही चूना लगा रहा है, और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, और दोनों ने पोलैंड को आपस में बराबर बांट लिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत पहले जर्मनी के एक हिस्से पर पोलैंड का कब्जा था, वो सिर्फ इसलिए कि जर्मनी का वह भाग पोलैंड को समुद्री व्यापार से जोड़ता था। इसलिए अब पोलैंड पर कब्जा करके हिटलर का पहला बदला पूरा हो चुका था। उनकी सेनाओं ने पोलैंड के हर शहर पर कब्जा करके वहां भयंकर हमले किए। पोलैंड के पास भी आर्मी थी, लेकिन वो एक घुड़सवार आर्मी थी जो कि हिटलर के टैंकों के सामने बिल्कुल नहीं टिकी। कुछ ही दिनों में पोलैंड की आर्मी पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं स्टालिन ने पोलैंड के काफी सैनिकों को बंदी बनाकर रख रखा था, जिनमें से 7 से लेकर 8 हजार पोलैंड के आर्मी अफसर भी थे, जिन्हें स्टालिन ने जंगलों में ले जाकर उन्हें गोली मारने का आदेश भी दिया था। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तब पहली बार रशिया की सरकार ने इन मरे हुए अफसरों की लिस्ट को पोलैंड सरकार को सौंपा था। अगर सही मायने में उदाहरण दें तो हिटलर और स्टालिन दोनों ही इंसानियत के लिए खतरनाक थे। लेकिन अब फ्रांस और ब्रिटेन सचेत हो चुके थे। फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी सितंबर 1939 में, क्योंकि पोलैंड एक बहुत ही बड़ा देश था जिस पर हिटलर ने हमला कर दिया था। यहाँ तक बात करें फ्रांस और जर्मन सीमा की, तो इन दोनों देशों के बीच एक मेजिनोट लाइन बनाई गई थी जो कि किसी जर्मनी को सीधे हमले करने के लिए रोकती थी। लेकिन यह पूर्व में बनी लाइन बेल्जियम सीमा पर नहीं बनी थी, क्योंकि बेल्जियम को इसको लेकर अपना विरोध था, इसलिए यह लाइन बेल्जियम की सीमा पर नहीं थी। इस लाइन में छोटे बड़े कई किले थे जिन पर किसी भी हवाई हमलों का कोई असर नहीं होता था। फ्रांसीसियों को पूरा भरोसा था कि यह लाइन फ्रांस की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लाइन ऑर्डनेस के जंगलों में बहुत कमजोर थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों का यही मानना था कि ऑर्डनेस के जंगलों को पार करना जर्मनी के लिए आसान नहीं है। इन अफसरों का यही मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही जर्मनी अभी भी बेल्जियम के रास्ते से ही फ्रांस पर हमला करेगा, इसलिए इन मित्र देशों की सेनाओं ने अपना पूरा ध्यान बेल्जियम पर ही लगाया। और यकीन मानिए दोस्तों, हिटलर भी यही चाहता था। इससे पहले जर्मनी ने बेल्जियम पर हवाई हमले की शुरुआत कर दी थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक फोन युद्ध भी जारी रखा था, जिसे कि हम फर्जी युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें इन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तो खड़ी थी, लेकिन हमले किसी ने नहीं किए थे। फ्रांस और ब्रिटेन वही प्रथम विश्व युद्ध की तरह गड्ढे खोदकर अपने सैनिकों को तैनात कर चुके थे। उनका यही अनुमान था कि यह भी एक रक्षात्मक युद्ध ही होगा। लेकिन हिटलर की ब्लिट्ज़क्रिग रणनीति बहुत ही खतरनाक साबित हो रही थी। इसी रणनीति के दम पर वो पोलैंड को जीत चुका था। अब बारी थी फ्रांस की। हिटलर का प्लान रेडी था, लेकिन बहुत ही रिस्की था। उसके प्लान के अनुसार उसे जंगलों से अपनी सेना को टैंक सहित फ्रांस की सीमा में घुसाना था,
जिसका अनुमान फ्रांस की सेना को बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रिस्क थी कि अगर ये टैंक जंगलों को पार नहीं कर पाए तो हिटलर की हार निश्चित थी। लेकिन अगर पार कर गए तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना को चारों ओर से आसानी से घेर लिया जाएगा, क्योंकि आगे से बेल्जियम में जर्मन सेना पहले ही फ्रांसीसी सेनाओं से लड़ रही थी, और अगर पीछे से ये सेनाएं आ गई तो फिर फ्रांस का खेल खत्म। और इस तरह से मई 1940 के महीने में जर्मन के टैंकों ने जंगलों को पार करना शुरू कर दिया। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ये घने जंगल उन्हें रोकने के लिए नाकाम थे। अपनी योजना पर सफल होते हुए जर्मनी ने लाखों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना को चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि उनके पास भागने का अब एक ही रास्ता बचा था, वो था समुद्र। जब यह खबर हिटलर के पास पहुंची तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अब एक तरफा फ्रांस को हरा दिया था। हालांकि ऑपरेशन डायनामो के तहत इन फंसे हुए सैनिकों को डंकर्क से निकाल लिया गया था, जिस पर एक बहुत ही शानदार मूवी बन चुकी है, द डंकर्क। अगर आप वर्ल्ड वॉर टू के इतिहास को बहुत ही करीब से महसूस करना चाहते हो तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। जिसके बाद दूसरे ऑपरेशन के तहत फॉल रेट में 5 जून तक जर्मन सेना ने फ्रांस के कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद काका मुसोलिनी यानी कि इटली ने भी 10 जून को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तथा अंत में 14 जून को पेरिस पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद फ्रांसीसी सरकार बोर्दो भाग गई, तथा अंत में फ्रांस ने 25 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनॉट को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद मार्शल फिलिप पेलेन को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने रेडियो पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध विराम की घोषणा की, जिस रेडियो को उस समय जर्मनी में सुना जा रहा था, जिसे सुनने के बाद जर्मनी के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया है। इसलिए अब शांति वार्ता के लिए हिटलर ने फ्रांस से बातचीत करने के लिए अपना स्थान चुना, क्योंकि अब हिटलर फ्रांस को 1918 की याद दिलाना चाहता था, जहां ट्रीटी ऑफ वर्साइल पहले साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी का बहुत अपमान हुआ था। उसी ट्रेन के डिब्बे में फिर से मीटिंग बुलाई गई। 22 जून को हुई इस मीटिंग में फ्रांस ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। हिटलर भी उसी मीटिंग में मौजूद था। वह वहां उसी कुर्सी पर बैठा जहां कभी हारी हुई जर्मनी का प्रतिनिधि बैठा हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद हिटलर ने ट्रेन के इस डिब्बे को जर्मनी ले जाने का आदेश दिया, तथा बाद में इस डिब्बे को जर्मनी के लोगों के सामने घुमाया गया। हिटलर ने अपने लोगों को साफ संदेश दिया कि उसने प्रथम विश्व युद्ध का बदला ले लिया है, जिसके बाद इस शांति समझौते में फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया गया। इस पूरे युद्ध के दौरान जर्मनी ने मात्र 27,074 सैनिकों को खोया था, जबकि दूसरी ओर मित्र देशों की सेनाओं ने 3,22,000 के लगभग सैनिकों को खोया था, जबकि 17,56,000 सैनिकों को जर्मनी ने बंदी बनाया था अलग से। तो दोस्तों, इस तरह से हिटलर का बदलापुर मिशन पूरा हो चुका था। अब बाकी बचा था ब्रिटेन। हिटलर अब अपने आप को नेपोलियन से भी बड़ा युद्ध जनरल मान चुका था। इसके बाद हिटलर ने ब्रिटेन की भी कमर तोड़ ही दी थी, क्योंकि जर्मनी की पनडुब्बियां, जिन्हें यू बोट भी कहा जाता है, उन्हें ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली नेवी को ठहस महस कर दिया था, क्योंकि विश्व इतिहास में पनडुब्बियों का इस्तेमाल पहली बार जर्मनी ने ही किया था। रही बात अमेरिका की, तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन फिर भी फासिनिज्म से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन की मदद जरूर की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन के बारे में, जब हिटलर ने एक तरफा फ्रांस और पोलैंड पर जीत हासिल की थी, जब फ्रांस की सरकार गिर चुकी थी और साथ ही डंकर्क से सारी अलाइड फोर्सेस को निकाला जा चुका था, तब हमारे श्रीमान हिटलर जी का पूरा ध्यान आया ब्रिटेन पर। हालांकि जब उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी, तब उन्होंने ब्रिटेन के लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही फ्रांस को जीत लिया गया तो उन्हें एक प्लान तैयार करना ही पड़ा। लेकिन यहाँ वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। हम बात कर रहे हैं जबकि तब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो चुकी थी, जिसके अनुसार पोलैंड और फ्रांस ने जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें से प्रमुख था कि जर्मनी भविष्य में कभी भी अपनी वायुसेना को विकसित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जर्मनी ने चोरी छुपे अपनी वायुसेना का विकास किया था। लेकिन जब हिटलर बाबा सत्ता में आए तो उन्होंने खुलेआम अपनी वायुसेना का विकास किया था। लेकिन जब हिटलर ने शुरुआत में ऑस्ट्रिया पर अपना पहला कब्जा किया था, तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही शांत रहते, क्योंकि दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे।
उन्हें लगा कि ठीक है, शायद हिटलर शांत हो जाएगा। विशेष तौर पर ब्रिटेन ज्यादा शांत रहा क्योंकि वो युद्ध में किसी भी हाल में नहीं आना चाहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से को लालच की नजरों से देखा और हिटलर को शांत करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने 30 सितंबर 1938 को जर्मनी के साथ एक म्यूनिक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से को जर्मनी को दे दिया जाएगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेविन चेम्बरलेन और इस पूरी घटना का विरोध विंस्टन चर्चिल ने खूब किया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, क्योंकि चर्चिल का मानना था कि हिटलर की भूख इस समझौते से नहीं मिटने वाली, जो कि वो बिल्कुल सही थे। क्योंकि इस समझौते के कुछ समय बाद ही हिटलर ने यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इस घटना के कारण नेविल को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल। और फ्रांस के आत्मसमर्पण से पहले ही विंस्टन चर्चिल ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ब्रिटेन पर हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन वो अंत तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर फ्रांस पर जीत के बाद हिटलर अपने जनरलों के साथ ब्रिटेन पर हमला करने की रणनीति बना रहा था कि ब्रिटेन पर हमला कैसे किया जाए। पहला रास्ता ये था कि इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारा जाए, लेकिन डर यह भी था क्योंकि ब्रिटेन की भूमि पर अच्छी खासी संख्या में एलाइड सोल्जर पहले से ही मौजूद थे, जो कि डनकर्क से सीधे ब्रिटेन की भूमि पर जा पहुंचे थे। ऊपर से आरएएफ यानी कि ब्रिटेन की वायुसेना रॉयल एयरफोर्स, जो कि बहुत मजबूत थी, और वही ब्रिटेन की रॉयल नेवी। फिर वही लुफ्तवाफ के कमांडर इन चीफ हरमन गोरिंग ने अपना सुझाव दिया कि लुफ्तवाफ दुनिया की बेहतरीन वायुसेना है और वो आराम से आरएएफ का सफाया कर देगी। लेकिन वो ये भूल गए कि हमें हमला उनके क्षेत्र में करने जाना है, जिस क्षेत्र को वो अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सी लॉयन के तहत 10 जुलाई 1940 को लुफ्तवाफ ने ब्रिटेन पर अपने हमले की शुरुआत कर दी। शुरुआत में उनका प्रमुख लक्ष्य था ब्रिटेन के बंदरगाह और आर्थिक कारखाने। जिसके बाद अगस्त आते आते लुफ्तवाफ ने ब्रिटेन पर हवाई अड्डों और रडार स्टेशनों को भी निशाना बनाया। उस समय लुफ्तवाफ के पास लगभग 2550 विमान मौजूद थे, तो दूसरी ओर रॉयल एयरफोर्स के पास 1964 विमानों की संख्या थी। आरएएफ की तुलना में लुफ्तवाफ काफी मजबूत थी, लेकिन ब्रिटेन के पास एक आधुनिक रडार सिस्टम था, जिससे वो जर्मन विमानों के आने से पहले ही सचेत हो जाते थे। उस समय लुफ्तवाफ ने भारी तादाद में ब्रिटेन के एयर बेसिस पर हमले किए थे, लेकिन फिर भी रॉयल एयरफोर्स ने मजबूती के साथ जर्मन वायुसेना को जवाब दिया। उस समय लुफ्तवाफ ब्रिटेन पर इतनी ज्यादा सक्रिय थी कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट रात दिन इन हमलों का जवाब देते रहते थे। उन्हें आराम करने का टाइम भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि हिटलर और ब्रिटेन के बीच ये पायलट ही खड़े थे जो अपने देश को हार से बचा सकते थे। हरमन गोरिंग की रणनीति यह थी कि ब्रिटेन के प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाहों, कारखानों पर भीषण हमला करके ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, ताकि ब्रिटेन आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाए। क्योंकि दूसरी ओर जर्मनी की यू बोट पहले ही ब्रिटेन तक पहुंचने वाले कई सारे जहाजों को अटलांटिक महासागर में नष्ट करती जा रही थी, लेकिन इस रणनीति पर हिटलर ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, क्योंकि अच्छे रडार सिस्टम होने के कारण एआरएफ के विमान लुफ्तवाफ को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। इसलिए हिटलर ने रणनीति बदलते हुए लंदन शहर पर हमले के आदेश दे दिए, जिसके बाद लुफ्तवाफ ने लंदन में बम बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन कई सारे इतिहासकारों का ये भी मानना था कि खराब मौसम होने के कारण गलती से लुफ्तवाफ के विमानों ने लंदन पर हमला किया था। दूसरी ओर जब लंदन में बमबारी की गई तो चर्चिल भी भड़क गए और उन्होंने भी अपने एआरएफ के विमानों को आदेश दिया कि तुम भी जाओ और बर्लिन पर हमला करो। सितंबर की शुरुआत में एआरएफ के विमान बर्लिन तक पहुंच गए और बर्लिन शहर पर भयंकर बमबारी की, जिससे अब हिटलर बाबा और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने ब्रिटेन के शहरों पर भारी बमबारी करने के आदेश दे दिए। जिसके अनुसार 15 सितंबर को लुफ्तवाफ ने लंदन, लिपवुड और कोबाद्री जैसे प्रमुख शहरों पर भारी बमबारी की, जिसमें सिर्फ लंदन पर 57 रातों तक हमला किया गया था। यहां से मामला थोड़ा सा पलट गया, क्योंकि जो एआरएफ के पायलट पहले सो भी नहीं पा रहे थे, इन शहरों पर हुई भयंकर बमबारी के कारण उन्हें आराम करने का समय मिल गया। इन शहरों में हो रहे हमलों के दौरान विमानों को अंडरग्राउंड कर दिया, जो विमान खराब थे उन्हें रिपेयर किया और नई संख्या में कई सारे विमान बनाए गए। जबकि जो लुफ्तवाफ शहरों पर हमला कर रही थी, उसे एक दिन यह लगा कि हमने एआरएफ को पूरी तरह से साफ कर दिया है, जो कि वो बिल्कुल गलत थी। जिसके बाद एआरएफ ने अपनी नई ताकत के साथ फिर से लुफ्तवाफ को कठोर जवाब दिया। परिणाम यह हुआ कि लुफ्तवाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रात में हमले करने की रणनीति अपनाई, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं हो पाए। इस हमले से यह हुआ कि लुफ्तवाफ में अनुभवी पायलटों की कमी होने लगी
दरअसल अधिकतर सारी लड़ाई ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र में ही हो रही थी, इसलिए जब भी कोई लुप्तवाप का विमान क्रैश होता था तो उसका पायलट पैराशूट लैंडिंग करके नीचे तो उतर जाता था लेकिन उसे पकड़ लिया जाता था। वहीं दूसरी ओर जब कोई एयरएफ का विमान क्रैश होता था तो उसका पायलट पैराशूट लैंडिंग से सीधे सही सलामत नीचे उतर जाता था और अपनी ही जमीन पर उतर जाता था और उसी दिन वो फिर से वापस लड़ाई में शामिल हो जाता था। ऊपर से रॉयल एयरफोर्स में लगभग 25% पायलट अलग अलग देशों से भी थे। इस पूरे युद्ध में रॉयल एयरफोर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिला डोर्डिंग रडार प्रणाली का, जो पहले ही एआरएफ को संकेत दे देती थी कि जर्मन विमान आ रहे हैं, इसलिए लुप्तवाप कभी भी जमीन पर एआरएफ को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ऊपर से एआरएफ डिफेंसिव थी जो कि अपनी ही जमीन की रक्षा कर रही थी, इसलिए वो लुप्तवाप पर भारी पड़ी। हिटलर का सपना था नेपोलियन से भी श्रेष्ठ जनरल वार बनने का, क्योंकि नेपोलियन भी ब्रिटेन को जीत नहीं पाया था। उसी तरह अंत में अक्टूबर 1940 में अपने रशियन अभियान को देखते हुए हिटलर ने भी ब्रिटेन से अपना ध्यान हटा लिया और नेपोलियन की तरह ही हिटलर भी ब्रिटेन को नहीं जीत पाए। इस पूरे अभियान में जर्मन वायुसेना लुप्तवाप को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लुप्तवाप ने अपने 1880 विमानों को इस अभियान में खो दिया था। साथ ही साथ लुप्तवाप के लगभग 2700 पायलट मारे गए थे, लेकिन पकड़े गए पायलटों की संख्या भी ज्यादा थी, 1000। वही दूसरी ओर रॉयल एयरफोर्स के भी 1260 विमान नष्ट हुए तो 500 पायलट मारे गए, जिसमें 60 पायलटों को जर्मन सेना ने पकड़ लिया। दोस्तों ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। दरअसल ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि उसके चारों ओर समुद्र है, उसी के कारण नेपोलियन भी कभी भी ब्रिटेन को तक नहीं पहुंच पाया था। हाँ, बस उसकी आर्थिक घेराबंदी जरूर की थी और यह काम हिटलर ने भी किया था। ब्रिटेन पर हमले से पीछे हटने का सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके थे और खराब मौसम में ब्रिटेन पर हमला करना भी मुश्किल होता, इसलिए अपनी सेना की बढ़ती हुई ऑयल की डिमांड को देखते हुए हिटलर ने अपना रुख रशिया की ओर कर दिया, क्योंकि अगर हिटलर ब्रिटेन को जीत भी जाता तो उसकी सारी आपूर्ति पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि ब्रिटेन खुद ऑयल रिसोर्सेस के लिए बाकी देशों पर निर्भर था। लेकिन जो भी हो, हिटलर ब्रिटेन को जीतने में नाकाम रहा था। लेकिन हिटलर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी उसकी आर्थिक घेराबंदी करके। द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब तक भी यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध था। जर्मनी का अगला टारगेट था ग्रेट ब्रिटेन, जो कि अकेला पड़ चुका था, जबकि जर्मनी, इटली, जापान अपना गठबंधन बना चुके थे। विंस्टन चर्चिल रात दिन सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि उन्हें यूएसएसआर यानी कि स्टालिन से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी, उल्टा डर था, क्योंकि यूएसएसआर अभी तक भी जर्मनी को कच्चा माल सप्लाई कर रहा था और इसी कच्चे माल के उपयोग से ही जर्मनी ने फ्रांस को एक तरफा हरा दिया था। अब बारी ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन तक आने वाले हर जहाज को जर्मन की यू बोट रोजाना डुबो रही थी। अमेरिका भले ही युद्ध में शामिल ना था, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ब्रिटेन की मदद कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन की मदद पहुंच नहीं पा रही। वही जर्मनी की वायुसेना रोजाना ब्रिटेन के आर्मी बेस पर हमला शुरू कर चुकी थी। वही दूसरी ओर टोक्यो में मौजूद एक रशियन जासूस बार बार स्टालिन तक खबर पहुंचा रहा था कि हिटलर का अगला टारगेट ब्रिटेन नहीं, अगला टारगेट यूएसएसआर यानी कि स्टालिन है। लेकिन स्टालिन को अंदाजा तो था, लेकिन भरोसा नहीं था कि हिटलर इतनी जल्दी सोवियत संघ पर हमला करेगा। उसने जर्मनी तक कच्चे माल की सप्लाई जारी रखी। दूसरी ओर हिटलर के पास अच्छा मौका था कि ब्रिटेन पर भी कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन अलग थलग पड़ चुका था। लेकिन हिटलर अब अपने आप को यूरोप का दूसरा नेपोलियन मान रहा था और वही गलती करने भी जा रहा था जो इतिहास में कभी नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्टोरी बाबा पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिटलर के मॉस्को अभियान के बारे में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएसएसआर का वह दिन जब मॉस्को में एक जबरदस्त आर्मी परेड चल रही थी। स्टालिन सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे थे, लेकिन वहीं अपनी रणनीति के तहत हिटलर की योजना तैयार थी यूएसएसआर पर कब्जा करना। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बाराबरोसा, जिस पर हम एक अलग ही वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मॉस्को अभियान के बारे में बात करेंगे। इसलिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीतने के बाद रशिया की ओर अपना रुख किया था, तब उसके साथ क्या हुआ था। नेपोलियन की आर्मी बकायदा मॉस्को तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें वहां मिला कुछ नहीं। रशिया ने नेपोलियन को हराने के लिए एक बहुत ही बड़ी रणनीति अपनाई थी। उस रणनीति के अनुसार सारे रशियन किसानों को यह सख्त निर्देश दिए गए थे कि पीछे हटते समय अपने खेत और घरों को जला दें।
ताकि नेपोलियन आर्मी को उनका इस्तेमाल ना मिल सके, ताकि नेपोलियन आर्मी इन संसाधनों का इस्तेमाल ना कर सके। और रशियन ने यह रणनीति अपनाई भी, वो पीछे हटते जाते थे और अपने अनाज और घरों को जला देते थे। यह रणनीति नेपोलियन की हार का सबसे बड़ा कारण भी बनी थी। दूसरी थी रशिया की सर्दी, जिसका सही अनुमान नेपोलियन नहीं लगा पाया था, क्योंकि रशिया में सितंबर के आखिरी तक सर्दियां शुरू हो जाती थी। लेकिन हिटलर ने नेपोलियन से काफ़ी कुछ सीखा तो था, लेकिन आखिरी में वही गलती की। इसलिए 21 जून तक भी रशिया जर्मनी को अपना कच्चा माल सप्लाई कर रहा था, क्योंकि 21 जून की रात एक मालगाड़ी रशिया से कच्चा माल लेकर जर्मनी तक पहुंची थी। उसके अगले दिन ही 22 जून 1941 को हमले की शुरुआत कर दी गई। शुरुआती हमलों में रशिया के लगभग 1500 विमानों को जमीन पर ही नष्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑपरेशन बाराबरोसा के तहत हिटलर ने रशिया के खिलाफ 3 फ्रंट शुरू किए थे, जिसमें पहले फ्रंट पर आज के सेंट पीटर्सबर्ग शहर यानी कि उस समय के लेनिनग्राद शहर तक पहुंचना था। दूसरा फ्रंट था रशिया की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए यूक्रेन के क्रीमिया तक पहुंचना था, और बीच वाला फ्रंट था मॉस्को पर कब्जा करना। हिटलर की इस नीति का कई जर्मन अफसरों ने विरोध भी किया था। वो चाहते थे कि मॉस्को पर सीधा हमला किया जाए, लेकिन हिटलर जब अपने आप की नहीं सुनता था तो इन अफसरों की कहां सुनने वाला था। अब हम यहां बात करने वाले हैं बीच वाले फ्रंट की, जब हिटलर की अजय आर्मी बस आगे ही बढ़ती जा रही थी। शुरुआती हमलों में तो स्टालिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले की शुरुआत कर दी है, इसलिए अब स्टालिन ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहली योजना तो वही थी जो पहले इतिहास में नेपोलियन आर्मी की स्वागत के लिए इस्तेमाल की गई थी, कि अपने संसाधन और अनाजों में आग लगानी शुरू कर दो और अपने आम नागरिकों को पीछे हटने के सख्त निर्देश दे दो। इस तरह से रशिया में मौजूद लोगों ने गांवों के गांव खाली करके पीछे हटना शुरू कर दिया था और अपने खेतों और घरों में आग लगानी शुरू कर दी। दूसरी ओर रशिया के सोल्जर भी बहादुरी से जर्मन सेना को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोके कैसे? कहा जाता है कि रशिया की कुछ बटालियन के पास तो 4 सैनिकों में 1 राइफल होती थी, जिससे वो जर्मन आर्मी को नहीं रोक सकते थे। वहीं दूसरी ओर जर्मन आर्मी रोजाना 50 किलोमीटर तक आगे बढ़ रही थी, लेकिन रशिया बहुत बड़ा देश था। रशिया में उस समय ज़्यादातर कच्ची सड़कें ही मौजूद थी। जब बारिश शुरू हुई तो जर्मन आर्मी की गति धीमी होने लगी। उस समय ज़्यादा कीचड़ होने के कारण अब जर्मन सेना रोजाना 20 किलोमीटर तक ही सफर तय कर पा रही थी। फिर भी जर्मन सेना ने जुलाई 1941 तक नीपर नदी को पार कर लिया था और 15 जुलाई 1941 तक स्मोलेंस्क शहर पर कब्जा कर लिया था, जो कि मॉस्को से मात्र 360 किलोमीटर दूर ही था। जर्मन सेना के यहाँ पहुँचने के बाद हिटलर ने अपनी योजना में काफी बदलाव किए। उसने अब मॉस्को को जीतने के बजाय यूक्रेन में रशिया के खनिज संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसका मत था कि रशिया को पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जुलाई तक मॉस्को बहुत कमज़ोर था, उस पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। लेकिन स्टालिन को अब समय मिल चुका था। स्टालिन ने मॉस्को को मजबूत करना शुरू कर दिया। मॉस्को शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर जापान में मौजूद सोवियत जासूसों से खबर आई कि जापान सोवियत संघ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि जापान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और ब्रिटेन है। इस खबर ने स्टालिन को बहुत बड़ी राहत दी। वहीं दूसरी ओर तीसरे फ्रंट ने यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लिया था। यूक्रेन में मौजूद आम लोगों ने जर्मन आर्मी का स्वागत भी किया था और उनकी मदद भी की थी, क्योंकि वो स्टालिन की नीतियों से बहुत परेशान थे, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ स्टालिन की नफरत ने पहले ही लाखों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन जर्मन ने भी वही किया जो पहले कभी स्टालिन कर चुका था, जो काम करेंगे वो जिंदा रहेंगे, बाकी लोगों को खाना नहीं मिलेगा। वहीं यूक्रेन में मौजूद यहूदियों को भी मारा जाने लगा। वहीं रशिया के लाखों सोल्जरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां अब तक हिटलर के लिए सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए 30 सितंबर को फिर से मॉस्को को जीतने की योजना बनाई गई। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, स्टालिन मॉस्को को मजबूत कर चुके थे। जापानी आक्रमण का खतरा ना होने के कारण साइबेरिया से एक स्पेशल आर्मी बुलाई जा चुकी थी, जिन्हें खतरनाक ठंड में भी लड़ाई करने का अनुभव था। और सबसे बड़ी बात, रशिया में सर्दियों का मौसम समय से पहले ही शुरू हो चुका था। जो जर्मन देखते ही देखते शहरों पर कब्जा कर लेते थे, अब उन्हें एक छोटे से छोटे गांव पर भी कब्जा करने में कई दिन लग जाते थे। जर्मन आर्मी की शान कहे जाने वाले ये ट्रक और टैंक बर्फ में धंसने लगे थे। स्टालिन इसी का तो इंतजार कर रहे थे। 30 सितंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन को टाइफून नाम दिया गया। उस समय रशिया का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस तक था। इस मौसम में भी जर्मन आगे बढ़ते जा रहे थे, बस उनके बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर स्टालिन ने अपने सबसे बेस्ट जनरल वेहरमार्च मेजिस्क को
मॉस्को की सुरक्षा करने के लिए लेनिनग्राद शहर से वापस बुलवा लिया था। अपनी धीमी रफ्तार के बावजूद भी जर्मन सेना 27 अक्टूबर तक मोजेस्क शहर तक पहुंच चुकी थी। जर्मन सेना की रणनीति के अनुसार वो मॉस्को पर दो तरफ से हमला करने वाली थी, लेकिन अब तक कहा जाता है कि 20वीं सदी के इतिहास में उस साल ठंड सबसे ज्यादा थी। एक जर्मन जनरल के अनुसार उस समय रशिया का तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ऐसी ठंड में लोग अपना जीवन बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सोल्जर लड़ रहे थे। इन्हें अपने ट्रक और टैंक को सिर्फ चालू करने के लिए ही पहले घंटों तक गर्म करना पड़ता था, तब जाकर ये वाहन चालू होते थे। और अगर ये चालू हो भी जाते थे तो आगे जाकर ये बर्फ में फंस जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि मॉस्को पर हिटलर की हार का सबसे प्रमुख कारण था कि स्टालिन ने अपने शहर की रक्षा के लिए एक बांध को भी तुड़वा दिया था, जिससे आसपास के 20 गांव डूब चुके थे। यह पानी बाद में एक बर्फ की मोटी चादर बन गया था, जिसमें हिटलर के टैंक फंसते ही जा रहे थे। वही जनरल वेयरमार्च मेजिस्क ने शहर की सुरक्षा के लिए एक मेजिस्क रक्षा लाइन का निर्माण करवा दिया था, जो कि एक ट्रेंच की तरह ही थी। जर्मन्स की सबसे बड़ी दुश्मन ठंड पहले ही बन चुकी थी, जिसमें कई सारे जर्मन सोल्जर दस्त और ठंड के कारण ही मारे जा चुके थे। ऊपर से उनके वाहन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी दौरान 7 नवंबर को स्टालिन ने मॉस्को में एक शानदार परेड का आयोजन भी किया, जिसके जरिए वो अपने सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते थे और उनके बाकी शहरवासियों को शहर छोड़ने का आदेश भी दे दिया था, क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं था, क्योंकि ठंड का यह मौसम दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि रशियन आर्मी डिफेंसिव थी, इसलिए उनको नुकसान कम हुआ, जबकि जर्मन्स को ज्यादा, क्योंकि आगे उन्हें ही बढ़ना था। लेकिन दिसंबर की शुरुआत तक जर्मन आर्मी मॉस्को से मात्र 35 किलोमीटर तक आ चुकी थी, बिल्कुल अपनी जीत के करीब। लेकिन यहाँ तक आते आते वो बहुत कुछ खो चुकी थी। उसके पास अब ईंधन ही नहीं बचा था और ना ही कुछ युद्ध सामग्री। वहीं दूसरी ओर 5 दिसंबर के बाद स्टालिन ने आक्रामक रुख अपना लिया और अपनी योजना के अनुसार उसने जर्मन सेना पर दो तरफा हमले शुरू किए, जिसके तहत 1500 टैंकों का इस्तेमाल किया गया और साथ ही अब हवाई हमले भी और बढ़ा दिए गए। जैसे ही जर्मन सेना ने पीछे हटना शुरू किया तो रशियन आर्मी में एक नई ताकत आ गई। अब वो लगातार हमले पे हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद 8 दिसंबर को हिटलर ने भी अपनी आर्मी को संदेश पहुंचाया कि वो कब्जाए हुए स्थानों पर ही डटे रहें, पीछे ना हटें। लेकिन जर्मन सेना मजबूर थी। नेपोलियन के इतिहास को दोबारा दोहराया जा चुका था रशिया में। हिटलर हार चुका था नेपोलियन की तरह। बस अंतर इतना था कि नेपोलियन मॉस्को तक पहुंचा था, लेकिन हिटलर नहीं। बाकी देशों की आर्मी में भी अब एक नया जोश आ चुका था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिटलर अजेय है। वो गलतफहमी अब दूर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन आर्मी ने जर्मन्स को हरा दिया था। जिसके बाद जर्मन जनरल फ्रांज हंड्रेड और गुंजर वान फ्लूज ने हिटलर के आदर्शों को दरकिनार करते हुए अपनी आर्मी की रक्षा करने के लिए पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन हिटलर मानने को तैयार नहीं था। जब जनरल गुडेरियन ने हिटलर को समझाने की कोशिश की कि जर्मन सेना को युद्ध से ज़्यादा नुकसान ठंड से है, इसलिए पीछे हटने में ही भलाई है, लेकिन हिटलर ने अपने जनरल की बात मानने के बजाय गुडेरियन सहित 28 जनरलों को बर्खास्त कर दिया तथा 25 दिसंबर तक कमांडर इन चीफ वाल्थर वॉन ब्राउचीज को भी हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे भी ठंड में पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद 7 जनवरी तक जर्मन सेनाएं 100 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हिटलर के पास ऐसे जनरल ही मौजूद थे जो उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहे थे और झूठी जीत की उम्मीद दिखा रहे थे। इस 1 अक्टूबर से लेकर 10 जनवरी तक चली इस घटनाक्रम में रशिया ने अपने लगभग 17 लाख आम नागरिक और सैनिकों को खो दिया था, जबकि जर्मन्स ने भी अपने 14 लाख सैनिकों को खोया था। रशियन नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में था, क्योंकि शुरुआत में गर्मी और बारिश के मौसम में जर्मन्स जीतते ही जा रहे थे, बाकी ठंड के मौसम में ही रशियंस ने वापसी की थी। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि हिटलर ने अपनी झूठी दोस्ती को तोड़ दिया था और यूएसएसआर पर हमले की शुरुआत कर दी थी, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबरोसा, जिसके अनुसार हिटलर ने अपनी आर्मी को 3 फ्रंट पर डिवाइड किया था और शुरुआत की गर्मी और बारिश में यह ऑपरेशन 100% सफल भी हुआ था। लेकिन मॉस्को पर हमले में हुई देरी के कारण इस ऑपरेशन के बीच वाला फ्रंट फेल हो गया था, यानी कि मॉस्को पर जर्मन आर्मी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, जो कि मॉस्को को जीतने का हिटलर का अंतिम प्रयास भी था। लेकिन बाकी दो फ्रंट पर नाजी आर्मी जीत हासिल करती ही जा रही थी।
जिसमें पहले फ्रंट पर लेनिनग्राड शहर तक जर्मन आर्मी पहुंच चुकी थी, तो दूसरी ओर रशिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए नाजी जर्मनी यूक्रेन तक पहुंच चुकी थी। और इसी तीसरे फ्रंट पर हुई लड़ाई द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को विश्व इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक माना जाता है, क्योंकि एक समय यह शहर हिटलर और स्टालिन के लिए बहुत जरूरी हो चुका था। स्टालिनग्राड यूएसएसआर का प्रमुख आर्थिक शहर था, जहां पर बड़े बड़े कारखाने थे जो कि यूएसएसआर को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करते थे। हालांकि जब स्टालिनग्राड पर भीषण लड़ाई छिड़ी गई तो शहर एक खंडहर में बदल चुका था, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसका प्रमुख कारण था इस शहर का नाम, यानी कि स्टालिनग्राड। स्टालिन किसी भी कीमत पर इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते थे और हिटलर भी इस शहर पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि एक समय यह सवाल नाक का बन चुका था। इसी कारण इस भीषण लड़ाई में लाखों सैनिक दोनों ओर से मारे गए थे, जिसमें रूसी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, आपके अपने चैनल हिस्टोरी बा पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप जान ही चुके हैं कि मॉस्को इन्वेजन क्यों फैल रहा था। सिर्फ दो ही कारण थे, पहला था रशिया की ठंड और दूसरा था हमारे हिटलर बाबा का घमंड। इसलिए मॉस्को से हुई हार से सीख लेते हुए हिटलर की नई रणनीति थी कि रशिया के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करके बैठ जाए और रशिया की ठंड के खत्म होने का इंतजार करें। जबकि दूसरी ओर स्टालिन और उनके जनरलों का यह अनुमान था कि हिटलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, वो जरूर ही सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार कर रहा है और फिर से मॉस्को पर हमला करेगा, जो कि वो गलत थे, क्योंकि हिटलर का पूरा ध्यान अब यूएसएसआर की आर्थिक शहरों पर था, जिनमें सबसे प्रमुख था आज के अजरबैजान की राजधानी बाकू, जहां पर काफ़ी मात्रा में ऑयल रिसोर्सेस उपलब्ध थे। साथ ही स्टालिनग्राड के करीब बहने वाली नदी बोल्गो पर नियंत्रण करना, क्योंकि यह नदी पूर्वी रशिया को इस शहर से जोड़ती थी। इसलिए अब स्टालिनग्राड पर कब्जा करने के लिए जर्मन सेना आगे बढ़ी, जिसे लीड कर रहे थे फेडोर वान वाकवे, जिन्होंने 28 जून 1942 को सोवियत सेनाओं को हराना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये आगे बढ़ते गए, लेकिन इनकी गति धीमी थी, जिसके बाद 9 जुलाई को हिटलर ने अपनी योजना बदल दी। उसने अब यह योजना बनाई कि सेना को दो भागों में बांटा जाए, एक भाग स्टालिनग्राड पर कब्जा करेगा तो दूसरा भाग रशिया के ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा, जिसके बाद जनरल विलहेम लिस्ट के नेतृत्व में एक अलग बटालियन को साउथ में भेजा गया, जिसके बाद इस बटालियन ने रोस्तोव पर कब्जा कर लिया और पहला भाग स्टालिनग्राड की ओर काफी धीमी गति से बढ़ता जा रहा था। अब तक स्टालिन भी जान चुके थे कि हिटलर की रणनीति क्या है, इसलिए उन्होंने पहले ही स्टालिनग्राड में प्रमुख संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय शहर में लगभग 4 लाख आम लोग भी मौजूद थे, जिन्हें स्टालिन ने अपनी रणनीति के तहत निकालने से मना कर दिया। स्टालिन यह सोचते थे कि अगर ये बूढ़े बच्चे महिला शहर में ही फंसे रहेंगे तो सोवियत सेना के अंदर एक जोश बना रहेगा कि हमें हमारे लोगों को बचाना है। इसलिए स्टालिन ने इन लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। साथ ही स्टालिन ने 28 जुलाई को एक फरमान भी जारी किया था कि अगर कोई भी सोवियत आर्मी का सिपाही डरकर पीछे भागता है तो उसे गोली मार दी जाएगी, जिसके बाद जर्मन वायुसेना ने स्टालिनग्राड पर बम बरसाने शुरू कर दिए। लुप्तवाग ने पूरे ब्रिटेन पर जितने बम नहीं बरसाए थे उससे ज्यादा इस शहर पर बरसाए, जिसके बाद जर्मन सेना शहर के उत्तरी सिरे से शहर में घुस गई। जर्मन सेना शुरू में सोवियत सेना की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उसके पास बेहतर टैंक थे, राइफल थी, साथ ही जर्मन वायुसेना लुप्तवाग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। जर्मन वायुसेना तो दिनों दिन ही सोवियत वायुसेना के विमानों को नष्ट करती जा रही थी। शुरुआती जर्मन हमला इतना खतरनाक था कि सोवियत सेना बोल्गा नदी के किनारे सिर्फ 3 किलोमीटर की चौड़ाई तक ही सीमित रह गई थी। साथ ही बोल्गा नदी के द्वारा सोवियत शिप द्वारा सहायता पहुंचाने जाने लगी थी, लेकिन जर्मन वायुसेना इन जहाजों पर हमला करने लगी और देखते ही देखते कई सारे सोवियत जहाज नदी में डूब चुके थे। इस शहर में इतनी भीषण लड़ाइयां हुई कि एक मकान के एक एक कमरों के लिए लड़ाइयां हुई थी। ऊपर से जर्मन वायुसेना और सोवियत वायुसेना दोनों ही एक दूसरे की कब्जाई हुई जगहों पर बम बरसा रहे थे, जिसके कारण इस शहर का 90% हिस्सा खंडहर बन चुका था। इस शहर की भीषण लड़ाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हमले की शुरुआत में लगभग एक्सिस पावर के पास 2,70,000 सैनिक थे, जिनमें इटालियन आर्मी, हंगेरियन आर्मी तथा रोमानिया की फौज भी शामिल थी। जबकि सोवियत सेना ने जब जवाबी कार्यवाही की तो इस हमले में नाजी जर्मनी ने लगभग 10,40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ इस शहर पर कब्जा करने के लिए।
वहीं दूसरी ओर शुरुआती हमलों में लगभग 1,87,000 सोवियत सैनिक शामिल थे, लेकिन बाद में जर्मन सेना को जवाब देने के लिए 11,40,000 सैनिकों को इस शहर की रक्षा करने के लिए लगाया गया था। हालांकि इन सोवियत सैनिकों में स्टालिनग्राड के कारखानों में काम कर रहे मजदूरों को भी शामिल किया गया था। इस भीषण लड़ाई में सबसे ज्यादा सैनिक सोवियत संघ के ही मारे गए थे, लेकिन सिर्फ जर्मन आर्मी ने इन सैनिकों को नहीं मारा था। इतनी ज्यादा संख्या में सोवियत आर्मी के सैनिकों के मारे जाने का कारण जर्मन आर्मी और सोवियत आर्मी दोनों ही थे, क्योंकि कारखाने में काम कर रहे इन मजदूरों को बिना कोई राइफल दिए ही जर्मन आर्मी पर हमला करने का निर्देश दिया जाता था, ताकि ये लोग जर्मन आर्मी की गोलियां झेलें और उनके पीछे सोवियत सैनिक अपनी राइफल लेकर आते थे। परिणाम यह हुआ कि जर्मन बड़ी ही आसानी से इन्हें निशाना बना देते थे। और दूसरी ओर जब सोवियत सैनिक डरकर वापस भागते थे तो पीछे बैठे सोवियत आर्मी अफसर गद्दारी के जुर्म में अपने ही सैनिकों को भून देते थे। इसलिए इस लड़ाई को विश्व इतिहास की सबसे दर्दनाक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। स्टालिन ने स्टालिनग्राड की रक्षा की जिम्मेदारी 1 अगस्त 1942 को जनरल एंड्री येरेमेको तथा निकिता ख्रुश्चेव को सौंपी थी। और ये निकिता ख्रुश्चेव वही हैं जो स्टालिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर के प्रमुख लीडर बने थे। इस अभियान में कई छोटी मोटी लड़ाइयों के बावजूद जर्मन्स ने नवंबर तक शहर के 90% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन नवंबर आते आते जर्मन वायुसेना को काफी नुकसान हो चुका था, क्योंकि अब तक वो वायुसेना ही थी जो सोवियत हमलों को रोक रही थी। उस समय जर्मन वायुसेना में हमले की शुरुआत में लगभग 1300 एयरक्राफ्ट थे, जिनमें से लगभग 150 विमान हमलों के दौरान नष्ट हो चुके थे। और नवंबर के अंत तक जर्मन वायुसेना के पास लगभग 550 वायुयान ही चालू हालत में मौजूद थे। दूसरी ओर जब 8 नवंबर को अफ्रीका में एलाइड पावर ने बड़े हमले शुरू किए तो वायुसेना की एक टुकड़ी को अफ्रीका भी भेजना पड़ा था। इसका फायदा अब सोवियत आर्मी को मिलने वाला था, और सोवियत आर्मी ने 19 नवंबर 1942 को ऑपरेशन यूरेनस की शुरुआत कर दी थी, जिसमें जनरल निकोले बिडोडिन की कमान में सोवियत सेना की कुल 18 इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थी। और इनकी रणनीति यह थी कि पूरे स्टालिनग्राड शहर को चारों ओर से घेर लिया जाए, जिसमें वे सफल भी हुए। परिणाम यह हुआ कि 2,65,000 जर्मन, इटालियन और क्रोएशियाई सैनिक अब स्टालिनग्राड में पूरी तरह फंस चुके थे। साथ ही अब 1942 की सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी, और सोवियत आर्मी को पूरा भरोसा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी जर्मन आर्मी सर्दियों को नहीं झेल पाएगी। धीरे धीरे इन सैनिकों के पास गोला, बारूद, चिकित्सा का सामान सब खत्म हो रहा था। शहर के कुछ हिस्सों में तो यह हालात थे कि जर्मन सैनिक चूहे या कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख भगा रहे थे। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि जब हमले की शुरुआत में सोवियत सैनिक शहर से पीछे हटते जा रहे थे तो वे अनाज भंडारों में आग भी लगाते जा रहे थे, जिसके कारण ही पूरे शहर में खाने पीने के संसाधन खत्म हो चुके थे। दूसरी ओर जो दूसरी सेना आयल रिजर्व के लिए लड़ रही थी, उन्होंने भी शुरुआत में जीत तो हासिल की, लेकिन 19 दिसंबर तक वो भी अब पीछे हटने लगी थी। वो सेना इन फंसी हुई सेना की मदद के लिए पीछे नहीं आ सकती थी, क्योंकि हिटलर को हर हाल में रशिया के आयल रिजर्व चाहिए थे। हिटलर ने 30 दिसंबर 1942 को अपने एक भाषण के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि जर्मन सेना शहर को नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब हिटलर को यह तय करना था कि शहर में फंसी हुई अपनी सेना तक राशन, पानी और युद्ध सामग्री कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि वो भूखे मर रहे थे। तथा अंत में हिटलर ने यह तय किया कि वायुसेना की सहायता से शहर में आवश्यक संसाधन बाय एयर नीचे गिराए जाएंगे, लेकिन लगभग 2,65,000 सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था करना जर्मन वायुसेना के बस में नहीं था। लेकिन हिटलर के आदेशों के बाद जर्मन वायुसेना ने अपना अभियान शुरू किया, जिसमें शहर में फंसे हुए सैनिकों तक आवश्यक सामान पहुंचाया गया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। साथ ही उल्टा जर्मन विमानों को भारी नुकसान हुआ। इस तरह से जर्मन सेनाओं को बाहर निकालने की कई छोटी बड़ी कोशिशें की गई, जिसमें ऑपरेशन डॉन भी शामिल था। लेकिन 16 दिसंबर को सोवियत सेना ने फिर से ऑपरेशन लिटिल यूरेनस की शुरुआत कर दी, लेकिन शहर में फंसे हुए 2,65,000 सैनिकों में से कई सैनिक दम तोड़ चुके थे। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं थी कि हिटलर उनकी मदद करेगा। दूसरी ओर जनवरी आते आते सोवियत हमले और भी तेज हो गए थे, तथा 7 जनवरी 1943 को सोवियत आर्मी ने लाउड स्पीकरों के माध्यम से जर्मन आर्मी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने वादा किया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, साथ ही उनका इलाज भी किया जाएगा, इसलिए वो 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन हिटलर ने सख्त आदेश दिए थे कि वायुसेना हर संभव कोशिश करेगी संसाधन जुटाने में, कोई भी आत्मसमर्पण ना करे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत गलत था। दरअसल 16 और 21 जनवरी की रात को बिटोमनिक
और गरामक नाम के हवाई अड्डों पर सोवियत वायुसेना ने हमला कर दिया, जिसका मतलब यह था कि अब जर्मन वायुसेना किसी काम की नहीं रही। लेकिन जर्मन आर्मी अच्छे से जानती थी कि सोवियत सेना उनके साथ कैसा बर्ताव करेगी, इसलिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी, जिसके बाद 22 जनवरी को फिर से एक बार और चेतावनी दी गई कि आत्मसमर्पण कर दो। इसी दौरान सोवियत सेना ने जर्मन सैनिकों को दो भागों में भी बांट दिया था और बार बार आत्मसमर्पण के लिए कह रही थी। वहीं दूसरी ओर हिटलर अपने जर्मन अफसरों को बार बार याद दिला रहा था कि जर्मनी के इतिहास में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, या तो लड़ो या मर जाओ। यह इस शहर की लड़ाई का अंतिम चरण था। वो कहते हैं ना कि जब बात जिंदगी की आ जाए तो इंसान तो क्या, जानवर भी खतरनाक हो जाता है। जर्मन्स भी इस लड़ाई के अंत में सोवियत सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने जगह जगह जाल भून रखे थे, इसलिए बार बार सोवियत आर्मी आत्मसमर्पण की रणनीति अपना रही थी, जिसके बाद जर्मन सेना के एक हिस्से ने अंत में आत्मसमर्पण कर ही दिया, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी लड़ रहा था तथा कुछ दिनों के बाद उसने भी भूखमरी और बीमारी के कारण आत्मसमर्पण कर ही दिया। फरवरी 1943 तक लगभग 1,00,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसा कि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि उनके साथ कैसा व्यवहार होने वाला है, ठीक वैसा ही हुआ। कई सैनिकों को रूसी जेलों में भूखमरी के कारण ही मौत झेलना पड़ी, तो कई सैनिकों से कारखानों में मजदूरी करवाई गई। इन 1,00,000 सैनिकों में से लगभग 6,000 से लेकर 7,000 सैनिक ही बाद में युद्ध के बाद अपने घर वापस लौटे थे। जर्मन आत्मसमर्पण के बाद हिटलर आग बबूला हो चुका था, क्योंकि अब तक उसे सबसे बड़ा नुकसान हो चुका था। उसने अपनी जनता के सामने सार्वजनिक तौर से स्वीकार किया कि उसे बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी है। यहाँ से हिटलर के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। इस भीषण लड़ाई में लगभग 12,00,000 सोवियत सैनिक मारे गए थे या लापता हुए थे, तो दूसरी ओर जर्मनी ने भी अपने 4,00,000 सैनिकों को खोया था, तो इटली ने भी लगभग अपने 1,25,000 सैनिकों को खोया था तथा हंगरी ने भी लगभग अपने 1,50,000 सैनिकों को खोया था। कुल मिलाकर एक्सिस पावर ने 6 से लेकर 8,00,000 सैनिकों को इस युद्ध में खोया था, सिर्फ एक शहर की लड़ाई में। इसीलिए स्टालिनग्राद की लड़ाई को विश्व इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई माना जाता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा एक खतरनाक रशियन स्नाइपर के बारे में, जिनका नाम था वासिली जेत्सेव, जिन्होंने स्टालिनग्राद की लड़ाई में लगभग 250 जर्मन सैनिकों को मार गिराया था। दरअसल लड़ाई की शुरुआत में जब जर्मन आर्मी भारी पड़ रही थी तो लड़ाई का दूसरा मोर्चा रशियन स्नाइपर ने संभाला था, जिनमें वासिली प्रमुख थे, जो ज़्यादातर जर्मनी के जनरल्स को निशाना बनाते थे। ये घंटों तक अपने आप को छुपा कर रखते थे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जो कि यूट्यूब पर हिंदी में भी उपलब्ध है, देखिएगा ज़रूर। लगभग 900 दिनों तक एक शहर की घेराबंदी, जिसमें रह रहे लाखों लोगों को भूख और ठंड के लिए तड़पाया गया। यह विश्व इतिहास के प्रमुख डिजास्टर में से एक है, क्योंकि एक समय तो इस शहर में एक दिन की मौत का आंकड़ा लगभग 5,000 तक पहुंच गया था। खाने के लिए एक व्यक्ति को पूरे दिन में सिर्फ 125 ग्राम की एक ब्रेड मिलती थी। इस घेराबंदी के दौरान लीना मुखेना, जो कि अपने परिवार के साथ इसी घेराबंदी में शामिल थी, वो अपनी डायरी में लिखती है कि वो अपने परिवार और दोस्तों को मरता हुआ देख रही थी। खाने के लिए ब्रेड और वाल पेपर का पेस्ट यूज किया जाता था, कभी कभी पालतू जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद 25 मई 1942 को उन्होंने अपनी डायरी लिखना बंद कर दी थी। इस शहर में बिताए हुए एक एक दिन को उन्होंने अच्छे से अपनी डायरी में दर्शाया है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरी बा पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हिटलर की योजना ऑपरेशन वॉर बरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमले के 3 फ्रंट थे, जिसमें हम बाकी 2 फ्रंट पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं तीसरे और आखिरी फ्रंट की, यानी कि नॉर्थ फ्रंट की, जिसके अनुसार हिटलर की मुख्य योजना थी लेनिनग्राद शहर पर कब्जा करना। यह शहर USSR का प्रमुख औद्योगिक शहर था, जिसका अंदाज आप इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे देश की आर्थिक और सैन्य उपकरणों का निर्माण का 14% भाग यही निर्मित होता था। रशिया के महान राजा पीटर द ग्रेट के नाम से शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया था, लेकिन रूसी क्रांति के बाद लेनिन के मौत के उपरांत इस शहर का नाम लेनिनग्राद रख दिया गया था, लेकिन आज भी शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग ही है। दोस्तों, इस तीसरे फ्रंट पर सिर्फ जर्मन सेना मौजूद नहीं थी, इस फ्रंट पर जर्मन सेना का साथ फिनलैंड की सेना ने भी दिया था। दरअसल विंटर वार के दौरान USSR ने फिनलैंड के कई भूभाग पर कब्जा कर लिया था, जिसे वापस पाने की चाहत में फिनलैंड भी नाजी जर्मनी के साथ शामिल हो गया था, सिर्फ इसी शर्त के साथ कि वो अपने कब्जाए हुए भूभाग को वापस पाना चाहता है। लेकिन बाद में वो लेनिनग्राद की ओर आगे बढ़ा और शहर की घेराबंदी में नाजी जर्मनी की सहायता भी की।
इससे पहले कोल्ड वॉर के बाद मार्च 1940 में फिनलैंड ने मास्को ट्रीटी साइन की थी, जिसमें उसने केरेलियन स्थमन का सारा नियंत्रण यूएसएसआर को सौंप दिया था, जिसके बाद जर्मनी की सहायता से वो अपने इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता था। तो दोस्तों, जून 1941 में यूएसएसआर पर जर्मनी ने अपना हमला शुरू कर दिया था। फील्ड मार्शल विलहेम रिटर वॉन लिप इस मोर्चे की कमान में थे, जिन्होंने 8 सितंबर 1941 से इस शहर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। शुरुआती योजना के तहत इस शहर पर कब्जा करना था, लेकिन बीच वाले फ्रंट की सहायता करने के कारण ये लाडोगा झील के तट पर पहुंचकर इन्होंने शहर की घेराबंदी करने का फैसला लिया। जर्मन सेना शहर के दक्षिण में थी तो फिनलैंड शहर के उत्तर में पहुंच चुका था। जैसा कि आपको पता है कि अपने शुरुआती अभियानों में जर्मन सेना तूफान की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, जिसमें जर्मन सेना ने 9 जुलाई तक लिथुनिया लाटविया से आगे तक अपना कब्जा कर लिया। सोवियत आर्मी जर्मन सेना को रोक नहीं पा रही थी, जिसके कारण 1 सितंबर तक जर्मन सेना एस्टोनिया तक पहुंच चुकी थी और 8 सितंबर तक लेनिनग्राड की घेराबंदी शुरू कर दी गई थी, जो कि 5 दिसंबर तक पूरी हो चुकी थी, तथा लेनिनग्राड से जुड़ी हुई सभी सड़कों तथा रेलवे लाइनों का कनेक्शन बाकी सोवियत संघ से काट दिया गया था। तो उत्तर में फिनलैंड की ब्लू डिवीजन पहुंच चुकी थी। शहर से गुजरने वाली नदी, जो कि लाडोगा झील तक इस शहर के लिए पानी का एक रास्ता था, उसकी एक्सेस भी अब जर्मन सेना ने काट दी थी और सिल्ज़बर्ग पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। जर्मन विशेषज्ञों का मानना था कि कुछ ही हफ्तों में शहर में भूखमरी आ जाएगी और ये लोग भूखमरी से ही मर जाएंगे, क्योंकि सारे रास्तों पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया था। इस शहर की घेराबंदी का सबसे ज़्यादा चलने का कारण यही था कि हिटलर और स्टालिन का ज़्यादा ध्यान बीच वाले और साउथ फ्रंट पर ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ की लड़ाइयाँ ज़्यादा घातक होती जा रही थी। इससे पहले मास्को इन्वेजन फेल होने के बाद हिटलर का सारा ध्यान स्टालिनग्राड शहर की ओर था, जिसके कारण दोनों ही पक्षों ने अपने प्रमुख बलों को लेनिनग्राड से साउथ की ओर शिफ्ट कर दिया था। वहीं शहर में रह रहे लोगों और जवानों को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि जर्मन सेनाएं लेनिनग्राड की ओर आ रही हैं। इसलिए शहर के लगभग 10 लाख लोगों और जवानों ने शहर की रक्षा के लिए ट्रेंच खोदना शुरू कर दिया था और ये जवान अपनी पोजिशन वहीं लेकर डट गए थे। दूसरी ओर जर्मन सेना ने शहर पर कब्जा करने के बजाय घेराबंदी पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि फिनलैंड की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। उस समय इस शहर में लगभग 31 लाख लोग मौजूद थे। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने का एक कारण यह भी था कि जब जर्मन सेना ने शुरुआती हमले किए थे तो बाहरी क्षेत्रों के लोग भी इसी शहर की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस शहर की रक्षा के दौरान सोवियत सैनिकों की संख्या भी लगभग लाखों में थी। घेराबंदी के दौरान जर्मन वायुसेना ने इस शहर पर काफ़ी भयंकर बमबारी भी की थी। 8 सितंबर तक इस शहर में बमबारी शुरू हो चुकी थी, जिसमें 19 सितंबर 1941 को तो जर्मन वायुसेना ने बहुत ही भयंकर बमबारी की थी। इस बमबारी में कई आम लोग मारे गए थे। इस घेराबंदी के दौरान जब स्टालिन अपनी सारी ताकत स्टालिनग्राड की ओर झोंक रहे थे, तो इस शहर की घेराबंदी को तोड़ने के लिए कोई खास कोशिशें नहीं की गई, लेकिन शहर की आपूर्ति के लिए कई कोशिशें की गई, जिसमें लाडोगा झील द्वारा सोवियत ने कई जहाज़ों में माल और सप्लाई भेजा, लेकिन ज़्यादातर जहाज शहर तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जर्मन वायुसेना उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर रही थी। इस शहर की आपूर्ति के लिए जब सर्दियों के मौसम के दौरान लाडोगा झील पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, तब इस झील के ऊपर एक सड़क बनाई गई, जिसे रोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसी सड़क से भारी मात्रा में संसाधनों को शहर तक पहुँचाया गया था। साथ ही शहर के लगभग 17 लाख लोगों को इसी रास्ते से शहर से बाहर भी निकाला गया था। इन पर रोजाना जर्मन वायु हमले भी होते थे, जिसके कारण लगभग 40,000 लोग इस शहर की निकासी के दौरान ही मारे गए थे। लगभग 2.5 साल चली इस नाकेबंदी के दौरान एक समय तो ऐसा भी आया जब इस शहर की पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ इस जुर्म में पकड़ा कि वो नरभक्षी बन गए हैं, जिसका मतलब आप अच्छे से जानते हो। इस पूरी घेराबंदी के दौरान लगभग 10 लाख आम नागरिक मारे गए थे, तो साथ ही 5 लाख सोवियत सैनिक भी मारे गए थे। अधिकतर लोग सिर्फ भूखमरी और बीमारी के कारण ही मरे थे। इस शहर की घेराबंदी का प्रभाव अब पूरे यूएसएसआर पर भी देखने को मिला। परिणाम यह हुआ कि अब पूरे सोवियत संघ में देशभक्ति की भावना जागने लगी। अब युवा बढ़ चढ़कर अपने देश को बचाने के लिए आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था और लैंड लीज एक्ट के तहत उसने यूएसएसआर को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। वहीं बाकी दूसरे मोर्चों पर भी हिटलर की सेना मास्को और स्टालिनग्राड में पहले ही हार चुकी थी और अब जर्मनी की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया था
उत्तरी मोर्चे पर भी यही हुआ। सोवियत सेना ने बहुत बड़ी संख्या में जर्मन सेना पर हमले किए। परिणाम यह हुआ कि अब जर्मन सेना को शहर के दक्षिणी हिस्से से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड की सेना ब्लू डिवीजन को भी पीछे हटना पड़ा। जब सोवियत, यूएसए और ब्रिटेन ने दबाव बढ़ाया तो फिनलैंड के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और फिनलैंड की नई सरकार ने सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली और मॉस्को शांति समझौते को फिर से स्वीकार कर लिया। साथ ही फिनलैंड की नई सरकार ने उल्टा जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फिनलैंड में मौजूद जर्मन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 27 जनवरी 1944 तक शहर की सारी घेराबंदी टूट चुकी थी, पूरे के पूरे 872 दिनों के बाद। इस पूरे हमले के दौरान लगभग 580,000 एक्सिस पावर के सैनिक मारे गए थे। हिटलर तीनों ही मोर्चों पर हार चुका था। इस पूरे रशियन इन्वेजन के दौरान एक्सिस पावर ने अपने लाखों सैनिकों को खो दिया था, साथ ही बेशकीमती संसाधनों को भी। दूसरी ओर यूएसएसआर में नया जोश आ चुका था। अब तक के वीडियो में हमने सिर्फ यही बात की है कि हिटलर कितना एग्रेसिव था, लेकिन अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हिटलर कितना डिफेंसिव था, क्योंकि अब एलाइड पावर जर्मनी में घुसने की तैयारी कर चुके थे। तो दोस्तों, पुराने लोग कह गए हैं कि लड़ाई का सिर्फ एक ही कारण होता है, जर जोरू और जमीन। क्योंकि हिटलर क्या चाहता था? जमीन, ताकि जर्मन ही सारी दुनिया को लीड करें। और जापान भी यही चाहता था, स्टालिन भी यही सोच रखता था, यहाँ तक कि ब्रिटिश और सारे यूरोपियन देश भी यही सोच रखते थे। इसी के तहत इन देशों ने बाकी देशों में अपनी कॉलोनियां भी स्थापित की थी। इन सभी यूरोपियंस में इटली भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अपनी इसी सोच का फायदा उठाते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 23 मार्च 1919 को हमारे परम पूज्य श्री मुसोलिनी बाबा ने भी इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी। और इटली में चल रही अशांति का पूरा फायदा उठाते हुए 1922 को मुसोलिनी इटली के पीएम भी बन गए। दोस्तों, इटली में हुई अशांति का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद इटली को कुछ खास नहीं मिला था। इटली को प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा था। इसी का फायदा मुसोलिनी ने उठाया। इटली के किंग विक्टर इमोनुअल III ने उन्हें इटली का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। अगर हम बात करें फासिनिज्म की, तो इसका मतलब होता है अति राष्ट्रवाद, यानी कि सिर्फ देशभक्ति और कुछ नहीं। यानी कि अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो या सरकार का विरोध कर रहे हो तो आपको देशद्रोही मान लिया जाता है। इसका मुसोलिनी ने काफी फायदा उठाया और सभी विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया। मीडिया की सारी स्वतंत्रता भी छीन ली। अब इस तरह से इटली में नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद जर्मनी में भी फासिनिज्म आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ 1934 के दशक की, जब जर्मनी में भी हिटलर आ चुके थे और मुसोलिनी हिटलर से बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि एक समय तो मुसोलिनी हिटलर की नकल भी करने लगा था, और बाद में हिटलर और मुसोलिनी का याराना भी बढ़ा, क्योंकि डिक्टेटर तो भाई भाई होते ही हैं। अब यहाँ हिटलर का प्लान रेडी था। हिटलर का मानना था कि ब्रिटेन और फ्रांस अब तक सारी दुनिया में बहुत कॉलोनियां बसा चुके हैं, अब बारी हमारी है। हिटलर इन सारे यूरोपियन देशों तथा उनकी कॉलोनियों पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन मुसोलिनी चाहता था कि युद्ध को और थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि इटालियन आर्मी युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि खुद मुसोलिनी जानते थे कि इटालियंस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन एक योद्धा के तौर पर काफी कमजोर है। लेकिन हिटलर नहीं माना, उसने युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन मुसोलिनी अब भी युद्ध में नहीं कूदा था। जब शुरुआत में हिटलर ने पोलैंड और फ्रांस पर एक तरफा जीत हासिल की, तब जाकर मुसोलिनी को लगा कि भाई अपन भी बहती गंगा में हाथ धो ही ले। लेकिन इटली की जनता युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन मुसोलिनी जब अपने आप की नहीं सुनता तो जनता की कहां सुनने वाला था। और इस तरह से देर से ही सही, लेकिन मुसोलिनी ने 10 जून 1940 को युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इससे पहले इटली की पूर्वी अफ्रीका में बसी कॉलोनियां इरिट्रिया और सोमालिया के द्वारा इथोपिया पर कब्जा करने की कई कोशिशें की गई थी, लेकिन बार बार वे असफल होते थे। लेकिन अक्टूबर 1935 में मुसोलिनी ने यह करके दिखाया और इथोपिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन में इटली पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए। अब आ जाते हैं वर्ल्ड वार टू पर, जब मुसोलिनी के पास लीबिया में लगभग 100,000 की सेना थी, जिन्होंने ब्रिटिश पर मिस्र में हमला करने की योजना बनाई। कारण था स्वेज कैनाल से किसी भी तरह से ब्रिटिश को हटाना, क्योंकि यह कैनाल हर मामले में ब्रिटिश की काफी मदद कर रही थी, क्योंकि यही वो रास्ता था जहां से ब्रिटिश की एशियन कॉलोनियों से ब्रिटिश को भरपूर मात्रा में मदद मिल रही थी। मार्शल रोडोल्फो ग्राजियानी के नेतृत्व में 5 इटालियन डिवीजन ने मिस्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने इटालियंस को रोक दिया। जिसके बाद अक्टूबर 1940 में मुसोलिनी ने ग्रीस पर युद्ध की घोषणा की,
लेकिन अगर आपने 300 मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि यूनानी युद्ध कला में कितने निपुण हैं। उन्होंने इटालियंस की हालत खराब कर दी थी। इससे पहले हिटलर ने बार बार मुसोलिनी को मदद भेजने की पेशकश भी की थी, लेकिन मुसोलिनी ने कहा था कि तेरा भाई खड़ा है ना, सब देख लेगा। लेकिन बार बार हार का मुंह देखने के बाद हिटलर भी समझ गया कि इस भाई से अकेले कुछ नहीं होने वाला, तथा अंत में हिटलर को अपनी सेना भेजनी ही पड़ी। हिटलर की मदद के बाद अफ्रीका में एक्सिस पावर की सेनाओं ने एलाइज पावर को काफी टक्कर भी दी, लेकिन अब तक अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो चुका था। साथ ही ब्रिटिश को भारत से भी भरपूर मदद मिल रही थी। लगभग 25 लाख भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अफ्रीका और यूरोप में अपनी सेवाएं दी थी। इन मित्र सेनाओं के पास अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की सैन्य सहायता मिल चुकी थी। परिणाम आखिर में यह हुआ कि अफ्रीका में एक्सिस पावर की हाथ सुनिश्चित हो गई, क्योंकि इटालियंस अब पूरी तरह से जर्मन्स पर निर्भर थे। 13 मई 1943 को उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया तट पर कई जर्मन्स और इटालियन सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन अब तक दूसरी ओर स्टालिन बौखला गया था। वो अकेले ही जर्मन सेना का मुकाबला कर रहा था, इसलिए रशिया की मदद के लिए मित्र देशों ने इटली पर अफ्रीका से हमले की योजना बनाई, ताकि हिटलर का ध्यान वापस साउथ यूरोप पर ला सके और यूएसएसआर यानी कि स्टालिन को थोड़ी मदद मिल सके। क्योंकि चर्चिल का यह तर्क था कि अगर हम इटली पर इन्वेजन करें तो मुसोलिनी को सत्ता से हटा सकेंगे। यह रणनीति कैसब्लांका सम्मेलन के दौरान तय की गई थी, जिसमें ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट शामिल थे। यह ऑपरेशन जनरल आइजनहोवर की कमान में था और जनरल हेरोल्ड अलेक्जेंडर ग्राउंड ऑपरेशन के कमांडर थे। योजना ये थी कि इटली के इस सिसिली द्वीप से साउथ में स्थित ब्रिटिश माल्टा एयरबेस से इस ऑपरेशन को हवाई विमानों द्वारा कवर फायर दिया जाएगा। इस तरह से कोड नाम ऑपरेशन कर्कस के तहत 10 जुलाई 1943 की सुबह 150,000 सैनिकों तथा 3,000 समुद्री जहाजों तथा 4,000 हवाई विमानों के साथ यूएसए और ब्रिटिश आर्मी सिसिली के इस आइलैंड पर 5 अलग अलग जगह उतरी। ये सभी 10 जुलाई की दोपहर तक अपने 600 टैंकों को एक साथ सिसली पर उतर चुके थे, जबकि उनके स्वागत के लिए 2 जर्मन डिवीजन ही तैनात थी। इसका सबसे बड़ा कारण था ऑपरेशन कीमा के तहत हिटलर को मूर्ख बनाया गया था। ऑपरेशन कीमा के मास्टरमाइंड ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कमांडर इवेन मोंटगू ने अपनी किताब द मैन हु नेवर वास में इस ऑपरेशन का उल्लेख किया है। इस ऑपरेशन के तहत करीब 2 महीने पहले जर्मन सैनिकों ने एक ब्रिटिश रॉयल मरीन पायलट की डेड बॉडी को स्पेनिश समुद्र के पास पकड़ा था। इस डेड बॉडी के पास कई सारे महत्वपूर्ण सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें हिटलर के पास ले जाया गया और हिटलर ने इन डॉक्यूमेंट्स का काफी करीबी से अध्ययन किया और उसे यह पता चला कि एलाइज पावर हिटली के ईस्ट में सार्डिनिया और कोर्सिका के द्वीपों पर चढ़ाई करेगी। इसलिए हिटलर ने इन द्वीपों की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी सिसली की तुलना में, जबकि वो कोई ब्रिटिश मरीन कमांडर नहीं था। यह एक अंधेरे में छोड़ा गया तीर था जो कि बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। हिटलर मूर्ख बन चुका था, क्योंकि एलाइज पावर इटली में घुस चुके थे। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में ये सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी और जर्मन्स और इटालियंस आर्मी पीछे। इस हार का मातम इटली में भी खूब हुआ। अब मुसोलिनी के विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम यह हुआ कि 24 जुलाई 1943 को प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी को पद से हटा दिया गया। जिस राजा ने कभी मुसोलिनी को इटली की सत्ता सौंपी थी, उन्होंने ही उन्हें पद से हटा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मार्शल पियोत्रो बदोग्लियो ने एक नई सरकार की स्थापना की, जिसने नाजी जर्मनी के साथ सारे गठबंधन तोड़ दिए। जैसे ही मुसोलिनी गिरफ्तार हुए, इटालियन सैनिक सिसिली से पीछे आने लगे। हिटलर ने भी गुप्त रूप से अपनी सेना को सिसिली से वापस आने के निर्देश दिए। रही बात मुसोलिनी की, तो हिटलर ने अपनी दोस्ती निभाई और 12 सितंबर 1943 को जर्मन सैनिकों ने मुसोलिनी को कैंपो इम्परेटोर से रिहा करवा लिया और उन्हें जर्मन कब्जे वाले इटली में छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे जैसे एलाइज पावर आगे बढ़ी, तो मुसोलिनी को उनकी पत्नी के साथ 28 अप्रैल को कोमो झील के पास गोली मार दी गई। उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। इटली में नई सरकार आ चुकी थी, जो कि अब जर्मन्स के खिलाफ थी। इटली हार चुका था, अब बारी थी जर्मनी की, क्योंकि दूसरी ओर जर्मन सेना रूस की सर्दियों में भी फंस चुकी। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो के हिसाब से बात कर चुके हैं ऑपरेशन बारबारोसा की। अगर हम टाइमलाइन की बात करें, जो कि बीच वाला फ्रंट था, जिसके तहत यूएसएसआर की राजधानी मॉस्को पर कब्जा करना था, उसमें हिटलर फेल हो चुका था। फिर उसने अपना दूसरा लक्ष्य बनाया था साउथ रशिया को, जिसके तहत एक्सिस पावर ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में रेड आर्मी ने एक्सिस पावर को स्टालिनग्राड में ही फंसा दिया
और इस तरह से इन दोनों ही फ्रंट पर हिटलर की आर्मी हार चुकी थी और पीछे ही हटती जा रही थी इन दोनों ही फ्रंट पर। बाकी तीसरे फ्रंट पर लेनिनग्राद शहर की घेराबंदी चालू थी। अब इन मिल चुकी दो बड़ी बड़ी हार के कारण हिटलर की काफी बदनामी हो रही थी और अब हिटलर जो कि खुद को नेपोलियन से भी बड़ा बार जनरल समझने लगा था, वो चाहता था कि रशिया पर एक भयंकर भीषण हमला किया जाए जिससे यूएसएसआर की ताकत को एक जोरदार धक्का लगे, क्योंकि वो जानता था कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आज आप जानोगे दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल के बारे में जिसमें दोनों ओर से लगभग 8000 टैंक शामिल थे। साथ ही एक्सिस पावर के पास लगभग 9,500 की मोर्टर या एंटी टैंक बंदूकें शामिल थी। वहीं एक्सिस पावर के पास लगभग 800,000 का मेन पावर भी था। वहीं दूसरी ओर सोवियत, जो अब लैंड लीज एक्ट पास होने के बाद बहुत मजबूत हो चुका था क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन रशिया तक काफी संसाधन पहुंचा चुके थे, जिसके तहत इस प्रमुख लड़ाई में रशिया के पास लगभग 5,000 टैंक मौजूद थे। साथ ही 25,000 के लगभग मोर्टार और बड़ी बंदूकें शामिल थी। तो आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। अपनी दो प्रमुख लड़ाइयां हारने के बाद जर्मन आर्मी का काफी नुकसान हो चुका था। बीच में जर्मन सेना मास्को से बहुत दूर तक हट चुकी थी, वहीं स्टालिनग्राद से भी काफी पीछे हट चुकी थी, यानी कि रोस्तोव शहर से भी पीछे हट चुकी थी। पीछे हटने के बाद जर्मन सेना ने अपने बेस इसी लाइन के आगे बना लिए थे। वहीं दूसरी ओर सोवियत सेना भी अपनी स्थिति में डट गई थी। यहां से हिटलर ने यह योजना बनाई कि वो कुर्क शहर पर कब्जा करेंगे जो कि मास्को से कई दूर है, और यह हमला हमारा आखिरी हमला होगा सोवियत संघ पर। योजना के अनुसार कुर्क शहर के उत्तर और दक्षिण से हमला किया जाना था। योजना तैयार थी लेकिन इंतजार था नए संसाधनों और नए टैंकों का, साथ ही नई मशीनरी का, क्योंकि पिछले हमले में जर्मन सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए जर्मन सेना को इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस योजना की सारी जानकारी स्टालिन तक पहुंच चुकी थी पहले ही। हिटलर की शुरुआती योजनाओं के बारे में बात करें तो स्टालिनग्राद की लड़ाई के बाद 12 फरवरी 1943 तक जर्मन सेनाओं को फिर से संगठित किया गया था। साथ ही सेकंड एसएस पंजर कोर, जो कि जनवरी तक फ्रांस से आ चुका था, इसकी कमान थी पॉल होसर के हाथों में। साथ ही 19 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चली खारगोव की लड़ाई के दौरान जर्मन सेना ने रेड आर्मी को पीछे कर दिया था। खारगोव की तीसरी लड़ाई के दौरान जर्मन वायुसेना ने अपना अच्छा खासा योगदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप खारगोव और वेलगोरोड पर फिर से जर्मन सेना का कब्जा हो गया था। अब अगली रणनीति के तहत 13 मार्च को हिटलर ने ऑपरेशनल ऑर्डर नंबर 5 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कुर्क शहर पर फिर से आक्रमण करना था। लेकिन अगले महीने अप्रैल में खराब मौसम के कारण यह हमला स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद फिर से हिटलर ने 15 अप्रैल को ऑपरेशनल ऑर्डर नंबर 6 जारी किया, जिसके तहत 3 मई तक कुर्क शहर पर आक्रमण करना था। ऑपरेशन गढ़ के तहत यह योजना थी कि सोवियत आर्मी के 5 डिवीजनों को एक साथ चारों ओर से घेर लिया जाए और नष्ट कर दिया जाए और साथ ही शहर पर कब्जा कर लिया जाए। इस योजना के तहत 9वीं रेजिमेंट, जिसकी कमान थी वाल्टर मॉडल के हाथों में, उन्हें उत्तर से हमला करना था। वही जनरल हरमन होत 4th डिवीजन के साथ दक्षिण से हमला करेंगे और यह टुकड़ी सीधे उत्तर की ओर बढ़ती जाएगी। जिसके बाद 4 मई को हिटलर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें हिटलर ने अपनी योजना पर सफाई देते हुए कहा कि हमें और भी नए टैंकों और वाहनों की जरूरत को देखते हुए हमले को अभी स्थगित कर रहे हैं, लेकिन मेंस्टीन चाहते थे कि हमला जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन हमले को स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद 18 जून को फिर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमले की तारीख को 5 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर स्टालिन को इस पूरी योजना की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। ब्रिटेन में मौजूद एक रूसी जासूस क्रेन क्रॉस ने गुप्त तरीके से सारी जानकारी स्टालिन तक पहुंचा दी थी मार्च के महीने में ही। साथ ही साथ इस जानकारी में जर्मन वायुसेना के हवाई अड्डों की भी जानकारी दी गई थी। इस जानकारी के बाद स्टालिन और कई जनरल पहले हमला करने के पक्ष में थे, लेकिन उप सुप्रीम कमांडर जॉर्जी जोकोव सहित कई अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि हमला करने से अच्छा है कि हम अपनी सुरक्षा और बढ़ा दें और उनके हमले का इंतजार करें। जिसके बाद 12 से लेकर 15 अप्रैल तक स्टालिन ने अपने कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके तहत जोकोव की बात को मान लिया गया और जर्मन सेना के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद निकोलोई वेटिन की कमान में वोरोनिज फ्रंट को दक्षिण की कमान सौंपी गई, कॉन्स्टेंटिन रोगोस्की को उत्तरी फ्रंट की कमान दी गई तथा इवान कोनेप के कमान में एक बटालियन को रिजर्व के तौर पर रखा गया था। साथ ही साथ जर्मन टैंकों को रोकने के लिए सोवियत आर्मी ने उस समय लगभग 3,00,000 मजदूरों की सहायता से बारूदी सुरंगों का निर्माण किया था, जिनके साथ कटीले तारों की बाड़ भी बनाई गई थी। साथ ही साथ गहरी खाई भी खुदवाई गई, जिससे जर्मन सेना की गति धीमी हो जाए, क्योंकि अब तक यही तो सबसे बड़ी ताकत थी जर्मन सेना की। इस पूरी सुरक्षा घेरे के दौरान लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबी खाइयों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जाल जर्मन सेना के लिए बन चुका था,
क्योंकि हमले में हुई देरी का पूरा फायदा स्टालिन ने उठाया। एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल भी किया गया। वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों की वायुसेना की बात करें तो जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफ काफ़ी कमजोर हो चुकी थी, दूसरी ओर सोवियत वायुसेना उल्टा और मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद से सोवियत वायुसेना में काफ़ी विमान शामिल हो चुके थे। वहीं लुफ्टवाफ के लगभग 40% तक ही विमान अब तक बचे हुए थे। इस तरह से 1 जुलाई को अपनी घोषणा के बाद 4 जुलाई को हमले की शुरुआत कर दी गई। पहला हमला दक्षिणी हिस्से से शुरू हुआ जब जर्मन सेनाओं ने कई सारी सोवियत चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसका साथ आसमान में लुफ्टवाफ भी दे रही थी। दूसरी ओर सोवियत वायुसेना ने 5 जुलाई को जमीन पर ही लुफ्टवाफ के कई सारे विमानों को नष्ट करने की रणनीति बनाई, लेकिन यह योजना पूरी तरीके से फेल हुई। सिर्फ 5 जुलाई को ही सोवियत वायुसेना के 160 विमान नष्ट हो गए। वहीं लुफ्टवाफ के सिर्फ 26 विमान ही नष्ट हुए थे, जिसके बाद 10 और 11 जुलाई को लुफ्टवाफ ने दक्षिणी हिस्से पर भयंकर बमबारी की। वहीं दूसरी ओर उत्तर से भी भारी टैंक बटालियन ने हमले की शुरुआत कर दी थी, जिसका सामना सेंट्रल में उपस्थित बटालियन से होना था। शुरुआती लड़ाई में जर्मन सेना भारी पड़ती जा रही थी, लेकिन जर्मन खुफिया विभाग ने सोवियत सेना के रिजर्व बलों की सही जानकारी नहीं जुटाई थी, जिसका नुकसान अब जर्मन सेना को होने वाला था। लेकिन फिर भी जर्मन सेना ने सोवियत सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन 12 जुलाई की शाम को हिटलर ने नेंस्टिन और बाकी जनरलों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम में एलाइड पावर ने अफ्रीका होते हुए 10 जुलाई को सिसली पर अपने 1.5 लाख सैनिकों को उतार दिया है, जिसके बाद उन्हें अपने सहयोगी इटली की रक्षा करने के लिए काफ़ी बलों को पश्चिम में स्थानांतरित करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सिस पावर 2 तरफा हमला सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो इस ऑपरेशन को बंद करना चाहते थे। लेकिन मेंस्टीन अब इस हमले को बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हिटलर से और भी समय मांगा, जिसके लिए हिटलर राजी भी हो गए। जिसके बाद 1 महीने 1 सप्ताह चली इस लड़ाई के बाद 23 अगस्त तक इस हमले में जर्मन सेना हार चुकी थी। दरअसल एलाइट पावर का सिसिली पर आक्रमण करने का उद्देश्य भी यही था कि स्टालिन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए, जिसमें वे सफल भी हुए, क्योंकि 2 तरफा हमले के कारण लुफ्टवाफे को भी अपने कई सारे विमान पश्चिम की ओर भेजने पड़े। जिसके बाद एक्सिस पावर अब यूएसएसआर के नक्शे से पीछे हटती जा रही थी और उन पर सोवियत वायुसेना हमले करते जा रही थी। हालांकि इस पूरे हमले में जर्मन सेना की तुलना में सोवियत आर्मी को 3 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जर्मन सेना की कमर टूट चुकी थी। वहीं अगर मानव इतिहास के सबसे बड़ी टैंक वॉर के बारे में बात करें तो 12 जुलाई को जब दक्षिणी मोर्चे पर जर्मन सेना की सफलता के बाद उन्होंने कुर्क शहर की ओर आगे बढ़ना शुरू किया तो उनका सामना सोवियत की 5 टैंक बटालियन के साथ हुआ था, और यही विश्व इतिहास की सबसे बड़ी टैंक बैटल साबित हुई थी, जिसमें सोवियत सेना ने जर्मन सेना को हरा दिया था, क्योंकि लुफ्टवाफ यानी जर्मन वायुसेना अब कमजोर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह से सोवियत संघ पर अपना आखिरी हमला एक्सिस पावर हार चुकी थी। दोस्तों, 5 जून 1944 का वह दिन जब वेस्ट फ्रंट पर फ्रांस की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे जर्मनी के सबसे बेस्ट जनरल इरविन रोमेल खराब मौसम और बारिश को देखते हुए बेफिक्र थे। उन्हें किसी भी हमले की कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपनी घरवाली का जन्मदिन मनाने के लिए वो वापस बर्लिन आ गए। लेकिन 6 जून की रात जैसे ही चांदनी रात शुरू हुई, बादल साफ हुए, एलाइड सोल्जर्स पैराशूट के माध्यम से नॉर्मेंडी में अपनी लैंडिंग शुरू कर चुके थे। साथ ही चांदनी रात में एलाइड एयरक्राफ्ट जर्मन बेस पर अपने भारी हमले शुरू कर चुके थे, और सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब एलाइड सोल्जर दुनिया के सबसे बड़े नेवल ऑपरेशन के तहत नॉर्मेंडी के अलग अलग बीच पर उतरना शुरू कर चुके थे। दूसरी ओर हिटलर का कहना था कि उस दिन अपन दिन के 12 बजे तक सोया, यानी कि हिटलर जी महाराज अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाकर सो रहे थे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें उठा दे। जर्मनी के खिलाफ वेस्ट फ्रंट खुल चुका था, जर्मनी पर अब 2 तरफा हमले शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बैटल ऑफ कुर्स्क की लड़ाई में जर्मन सेना सोवियत में अपनी आखिरी कोशिश में हार चुकी थी, जिसके बाद सोवियत आर्मी यानी कि रेड आर्मी अब जर्मन्स पर भारी पड़ती जा रही थी और उन्हें लगातार पीछे हटाती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर स्टालिन से थोड़ा बोझ कम करने के लिए यूएसए ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने सिसली पर हमले की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण हिटलर के गुरु भाई यानी कि मुसोलिनी महाराज की पावर भी छीनी जा चुकी थी, और इटली में नई बनी इस सरकार ने अब जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि एलाइट पावर अब इटली में काफ़ी अंदर तक घुस चुके थे।
जिसका फायदा स्टालिन को भी मिला और कुर्स्क की लड़ाई में रेड आर्मी ने जर्मन्स को हरा दिया। वहीं जो फिनलैंड कभी लेनिनग्राड की घेराबंदी के दौरान जर्मनी के साथ था, वो जनवरी 1944 में घेराबंदी के टूटने के बाद से जर्मनी के खिलाफ हो गया था। इसलिए अब एलाइट पावर ने जर्मन्स के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का निर्णय लिया, जिसकी योजना वो 1943 से ही बना रहे थे, यानी 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चले तेहरान सम्मेलन के दौरान, जिसमें स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने हिस्सा लिया था, जहां इन तीनों ही लीडर ने बेस्ट में यानी कि फ्रांस से अपना एक नया मोर्चा खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन एलाइड पावर ने नॉर्मेंडी को ही क्यों चुना, जबकि उसके पास और भी कई सारे विकल्प थे, जैसे डी केरेस जो कि फ्रांस के बेस्ट में एक समुद्री तट था, वही साउथ फ्रांस का हिस्सा, बुल्गारिया और नॉर्वे के समुद्री तट भी अच्छे विकल्प में शामिल थे, साथ ही डंकर्क भी एक अच्छा विकल्प था। दरअसल नॉर्मेंडी को चुनने का सबसे प्रमुख कारण था आरएएफ यानी कि रॉयल एयरफोर्स की हवाई सीमाएं, जिनका इस्तेमाल यूएसए वायुसेना को भी करना था, क्योंकि वायुसेना की मदद के बिना यह ऑपरेशन असंभव था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था जर्मन खुफिया विभाग को मूर्ख बनाना, वो भी जानबूझकर, क्योंकि हिटलर पहले से ही यूरोप के पश्चिमी तटों की सुरक्षा बढ़ा रहा था। उसने फ्रांस से लेकर नॉर्वे तक सारी पश्चिमी तटों की सुरक्षा के लिए क्रॉन्केट के बंकर, कटीले तारों की एक लंबी लाइन बनवा रखी थी, साथ ही बीच में लैंड माइंस का भी इस्तेमाल किया था। इसलिए लंदन कंट्रोलिंग सेक्शन ने जर्मन के खुफिया एजेंटों को मूर्ख बनाने की लगातार कोशिशें की, ताकि नॉर्मेंडी लैंडिंग की योजना को छुपाया जा सके, जिसमें वे सफल भी हुए। अब सही जानकारी और सही दिन न मालूम होने के कारण जर्मन सेना पूरे यूरोपीय तटों पर पतली संख्या में फैली हुई थी। जर्मन सेना की तटीय सुरक्षा को ध्यान से देखें तो समुद्र के तट पर लैंड माइंस उन्होंने बिछा रखी थी, ताकि कोई भी जहाज सीधे जमीन तक आया तो वो विस्फोट में उड़ जाएगा, जिसके बाद कटीले तारों की एक लंबी लाइन थी, साथ ही जर्मन सैनिक ट्रेंच बनाकर अपनी पोजीशन में बैठे हुए थे। उनके ऊपर क्रॉन्केट के बंकर बने हुए थे, जहां से जर्मन सैनिक MG-42 जैसी मशीन गन से आसानी से सैनिकों को निशाना बना सकते थे, जबकि एलाइट सोल्जर्स के पास कवर के तौर पर कुछ नहीं था। तो दोस्तों 5 जून को इस हमले की योजना बनाई गई, लेकिन खराब मौसम और बादलों के कारण यह योजना अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। खराब मौसम का मतलब था कि वायुसेना कोई खास मदद नहीं कर पाती, वायु हमलों के लिए अच्छी चांदनी रात की आवश्यकता थी, ताकि पायलट आसानी से बंकरों पर हमला कर सके। दूसरी ओर जर्मन हाई कमान जो कि अच्छे से जानते थे कि हमला होने वाला है, लेकिन ईस्ट फ्रंट पर वो पहले ही अपने कई सैनिक और संसाधन खो चुके थे। मुख्य तौर पर रशियन इन्वेजन के दौरान हिटलर ने एडी का चोर लगा दिया था, लेकिन जब सोवियत संघ यानी कि USSR ने काउंटर हमले शुरू किए तो भारी मात्रा में हिटलर को अपने सैन्य बलों को फ्रांस से ईस्ट फ्रंट पर स्थानांतरित करना पड़ा था। वहीं साउथ में जब सिसली पर एलाइड आर्मी ने हमले शुरू किए तो वहां भी अपने सैन्य बलों को भेजना पड़ा था। इसलिए 1944 आते आते जर्मन आर्मी काफ़ी भागों में बट चुकी थी। मुख्य तौर पर जर्मन वायुसेना लुप्तवाप्त की कमर तो पहले ही टूट चुकी थी। हालांकि नॉर्मेंडी पर एलाइड पावर के हमले का अनुमान इरविन रोमेल पहले ही लगा चुके थे। उन्होंने हिटलर से भारी तादाद में मदद भी मांगी थी, लेकिन हिटलर के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था जो वो फ्रांस में भेज सके। जो भी सैन्य बल था वो पूरे अटलांटिक वाल पर मौजूद था। उस समय नॉर्मेंडी में लगभग 50,000 का सैन्य बल मौजूद था। सही जानकारी ना होने के कारण डी केलेस पर जर्मन सैन्य बल ज़्यादा ताकतवर था बजाय नॉर्मेंडी के। एलाइट पावर ने हमले की योजना के अनुसार नॉर्मेंडी के 5 प्रमुख बीचों को चुना था, जिनमें यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और स्वर्ड बीच शामिल थे, जिसमें 4th US बटालियन को यूटा बीच पर उतरना था, साथ ही 1st और 29th US बटालियन को ओमाहा बीच पर उतरना था। इसके अलावा 5th British बटालियन को गोल्ड बीच पर और साथ ही 3rd British बटालियन को स्वर्ड बीच पर उतरना था। इनके साथ ब्रिटिश कनाडा की 3rd बटालियन भी थी, जिसे जूनो बीच पर उतरना था। इस पूरे अलाइड इन्वेजन की कमान जनरल आइजनहोवर के हाथों में थी। इस हमले के लिए नौसेना की सबसे बड़ी और मुख्य भूमिका थी, जिसकी कमान थी ब्रिटिश एडमिरल बर्टास रेंडसे के हाथों में, और ये वही थे जिन्होंने 4 साल पहले डंकर्क से भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को निकालने में मदद की थी। इस हमले में 6,939 जहाजों का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही 1213 युद्धपोत शामिल थे, साथ ही छोटे बड़े यानी कुल मिलाकर 5,000 सहायक शिप भी मौजूद थे। इस पूरे अभियान में ब्रिटेन की रॉयल नेवी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस अभियान में लगभग 1,95,000
नेवी सोल्जर्स भी शामिल थे। इनके साथ ही आरएएफ, ब्रिटिश कनाडाई एयरफोर्स और अमेरिकी विमान भी शामिल थे, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 2200 के भी पार थी, जो इस हमले को आसमान से सुरक्षा दे रहे थे। हालांकि हवाई हमले रात में ही शुरू कर दिए गए थे। ओमाहा बीच को छोड़कर बाकी सभी बीच पर भारी बमबारी की गई थी। ओमाहा बीच पर बमबारी सुबह सुबह अमेरिकी सैनिकों के उतरने के बाद शुरू की गई थी, क्योंकि रात में बादलों के कारण वायुसेना सही टारगेट नहीं देख पा रही थी। साथ ही समुद्र में स्थित नौसैनिक बेड़े भी पीछे से जर्मन तटों पर हमला कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से सुबह सुबह लैंडिंग शुरू हो चुकी थी। नौकाओं और जहाजों को जमीन में लगी लैंडमाइन के कारण कुछ दूर पानी में ही रुकना पड़ा था, और इन पर भारी हमले भी शुरू हो चुके थे, क्योंकि वंगर में मौजूद जर्मन सैनिक आसानी से इन नौकाओं को निशाना बना रहे थे। उनके पास स्थायी मशीन गन थी जो लगातार फायर कर रही थी। इनसे बचने के लिए कुछ सैनिक बीच में पानी में ही कूदना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनके पास इतना सामान था कि वे पानी में तैर नहीं पाए और कई सैनिक पानी में ही डूब गए। शुरुआती लैंडिंग के समय जर्मन सैनिक आसानी से इन्हें निशाना बना रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि शुरुआती हमलों में ही 10,000 के आसपास एलाइड पावर के सैनिक मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हवाई हमले और बढ़ने लगे और सटीक होने लगे। धीरे धीरे जर्मन बंकरों को निशाना बनाया जाने लगा और धीरे धीरे जर्मन सेना अब पीछे हटने लगी। वहीं एलाइड आर्मी के पास कोई तीसरा ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यूटा और ओमाहा बीच पर एक प्रमुख हेडलैंड पॉइंट डू क्रॉक पर, जो कि लगभग 30 मीटर की ऊंचाई की एक पहाड़ी चट्टान थी, जिसके ऊपर जर्मन सैनिक मौजूद थे, जो कि बड़ी ही आसानी से एलाइड सोल्जर्स को निशाना बना रहे थे। इसलिए रस्सियों की सहायता से सोल्जरों ने घाटियों पर चढ़ाई की और इन पर कब्जा किया। इन सभी हमलों के दौरान एक स्पेशल डी-डे टैंक का इस्तेमाल भी किया गया था, जो कि समुद्र के रास्ते से लाए गए थे, लेकिन आधे से ज़्यादा टैंक रास्ते में ही पानी में डूब गए थे। लेकिन फिर भी कई टैंक जमीन तक पहुंचने में कामयाब रहे और इन्होंने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर रात में ही पैराशूट के माध्यम से उतरे हुए एलाइड सोल्जर, जिन्हें नॉर्मेंडी के पीछे और भी कई जगहों पर उतारा गया था पैराशूट के माध्यम से, जिनमें से 25% सोल्जर अपनी सही जगह पर नहीं उतर पाए थे, लेकिन जो सही जगह पर उतरे थे उन्हें टास्क मिला था महत्वपूर्ण पुलों पर कब्जा करने का, जिनमें से कई सफल भी रहे तो कई मारे भी गए। लेकिन कई सोल्जरों ने सेंट मेरे एल्गिस शहर पर कब्जा कर लिया था, जो कि आजाद होने वाला फ्रांस का पहला शहर था। वहीं दूसरी ओर जर्मन हाईकमान हिटलर के उठने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि नॉर्मेंडी में ज्यादा सहायता भेजने के लिए जर्मन अथॉरिटी को आदेश देने का अधिकार फ्यूरर के पास ही था। लेकिन फ्यूरर तो दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाकर सो रहे थे। जब तक कि वो उठे, तब तक चिड़िया दाना चुक चुकी थी, क्योंकि सहायक बलों को जवाबी हमले करने में समय लगा। तब तक 7 जून तक एलाइड पावर ने पूरे नॉर्मेंडी इलाके को सुरक्षित कर लिया था और अब वो पेरिस की ओर बढ़ती ही जा रही थी। हिटलर पर अब दो तरफा हमले शुरू हो चुके थे और हिटलर की ताकत भी अब आधी से भी कम हो चुकी थी। एक तरफ से रेड आर्मी आ रही थी तो दूसरी ओर से ब्रिटिश, यूएसए, कनाडा और बाकी एलाइड पावर की सेना। यूरोप में विश्व युद्ध का आखिरी समय जब यूएसएसआर ने नाजी जर्मनी के खिलाफ अपने काउंटर हमले शुरू किए और अब रेड आर्मी लगातार जर्मनी की ओर बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए नहीं कि हिटलर को जल्दी से हरा कर शांति स्थापित की जाए, बल्कि इसलिए कि कहीं वेस्टर्न फ्रंट से हमला शुरू कर चुकी यूएसए और ब्रिटेन और बाकी देशों की आर्मी हमसे पहले न बर्लिन पहुंच जाए। स्टालिन को हिटलर को हराने का कोई खास शौक नहीं था, जबकि लालच था। वो पहले बर्लिन पहुंचकर कब्जा करना चाहता था, ताकि वो हिटलर के गुप्त परमाणु कार्यक्रम की सारी जानकारी हत्या सके और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिज्म को फैला सके। स्टालिन की इसी जल्दबाजी के चक्कर में रेड आर्मी के ही कई जवानों को अपनी जान बेवजह ही गंवानी पड़ी थी। यहाँ थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं कि जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, तब भी जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब स्टालिन की रेड आर्मी मंचूरिया होते हुए जापान की ओर बढ़ने लगी, तो जापान ने कम्युनिज्म के डर से ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उसका कारण यही था कि जापान बर्लिन से काफ़ी कुछ सीख चुका था, क्योंकि स्टालिन की रेड आर्मी ने बर्लिन में भारी उत्पात मचाया था। और यह जापान का एक अच्छा निर्णय भी बाद में साबित हुआ, क्योंकि जब यूएसए ने जापान पर कब्जा किया तो कुछ समय बाद ही जापान में नई सरकार के साथ शांति भी स्थापित हो गई।
लेकिन जर्मनी में शांति स्थापित होने में काफी समय लग गया और 1990 में जाकर जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ। तो दोस्तों, अब तक हम देख ही चुके हैं कि 6 जून 1944 को फ्रांस में नॉर्मेंडी लैंडिंग के साथ एक नया फ्रंट खुल चुका था, जिसके कारण अब जर्मनी की सेना को अब तीन ओर से हमलों का जवाब देना था, जिसके कारण उसकी ताकत काफी हद तक बढ़ चुकी थी। वहीं रशिया में अपनी आखिरी भीषण हमले में जर्मन हार चुके थे, जिसके बाद ईस्टर्न फ्रंट पर रेड आर्मी पहले से काफी मजबूत हो चुकी थी। तो अब हम बात करेंगे रेड आर्मी के काउंटर हमलों की। जब जर्मन्स पीछे हटना शुरू हो चुके थे और कुर्स्क की लड़ाई के बाद जर्मन्स को अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। इस पूरे विश्व युद्ध के दौरान आज सिर्फ हम पूर्वी मोर्चे के बारे में ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि इसी पूर्वी मोर्चे पर ही सबसे ज्यादा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिनमें सोवियत संघ के लगभग 1,20,00,000 सैनिक और आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस पूरे युद्ध के दौरान। तो वहीं 30,00,000 तक जर्मन सैनिक भी मारे गए थे सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट पर। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल सकते हैं। रेड आर्मी पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ फ्रंट पर जर्मन्स के खिलाफ लड़ रही थी, जिसमें रेड आर्मी की कुल संख्या 60,00,000 तक पहुंच गई थी, क्योंकि राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना के कारण कई युवा सोवियत आर्मी में भर्ती हो चुके थे अपने सारे मतभेद भुलाकर। और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका और ब्रिटेन यूएसएसआर को भारी संसाधन सप्लाई कर चुके थे। तो दोस्तों, टाइमलाइन के हिसाब से अगस्त 1943 तक जर्मन आर्मी कुर्स्क की लड़ाई में हार चुकी थी, जिसके बाद रेड आर्मी ने खारगोव की चौथी लड़ाई में जर्मन्स को हराया था। साथ ही इसी महीने अगस्त में वेल्गोरोड से भी जर्मन्स को निकाल दिया गया था। और इसी अगस्त के महीने में शुरू हुई स्मोलेंस्क की लड़ाई भी तीन चरणों में लड़ी गई थी। इसमें अपने आखिरी चरण में 7 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चली इस भीषण लड़ाई में रेड आर्मी ने जर्मन्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था। इसी दौरान डीनाइपर की लड़ाई में भी जर्मन्स पीछे हट चुके थे और ये वो क्षेत्र थे जहां जर्मन्स पिछले 2 साल से कब्जा करके बैठे हुए थे। साथ ही ये यूएसएसआर के लिए प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्र भी थे, जहां से अब जर्मन्स को नवंबर 1943 तक निकाला जा चुका था, जिसके बाद 3 नवंबर 1943 में सोवियत वायुसेना ने यूक्रेन के कीव शहर पर भारी बमबारी शुरू कर दी। यहां पर पहले से ही जर्मन्स अपना कब्जा करके बैठे हुए थे। यहां पर सोवियत सेना के मुकाबले जर्मन्स की संख्या काफी कम थी, इसलिए मेंस्टीन ने हिटलर को सुझाव भी दिया कि वहां अतिरिक्त बल भेजा जाए, लेकिन हिटलर ने उम्मीद के मुताबिक बल नहीं भेजा। लेकिन फिर भी कम संख्या होने के बावजूद भी जर्मन से रेड आर्मी पर काफी भारी भी पड़े, लेकिन कब तक? तथा अंत में दिसंबर के आखिरी तक रेड आर्मी ने कीव पर कब्जा कर लिया और जर्मन्स को वापस पीछे धकेल दिया, जिसके बाद अगले साल जनवरी 1944 में कोरसुन पॉकेट के नाम से एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई लड़ी गई थी यूक्रेन में ही, जहां आप छोटी स्टालिनग्राड की लड़ाई भी समझ सकते हो, जहां स्टालिनग्राड की तरह ही जर्मन आर्मी को नीपर नदी के सहारे चारों ओर से घेर लिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस लड़ाई में लगभग 1,00,000 जर्मन सैनिक मारे गए थे। यह घेराबंदी 16 फरवरी तक चली। साथ ही इसी महीने सोवियत आर्मी ने लेनिनग्राड की घेराबंदी भी तोड़ दी थी, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसके बाद फरवरी में लेनिनग्राड की घेराबंदी तोड़ने के बाद जर्मन्स पीछे हट चुके थे एस्टोनिया तक, जहां पर नरवा पर कब्जा करने की जल्दबाजी की कोशिश में रेड आर्मी का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। दरअसल ये सब किया धरा था जोसेफ स्टालिन का। वो जल्दी से जल्दी नरवा एयरबेस पर अपना कंट्रोल चाहते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि रेड आर्मी के 4,80,000 सैनिक घायल भी हुए और मारे भी गए, जबकि दूसरी ओर जर्मन्स के मात्र 68,000 सैनिक ही घायल या मारे गए थे। जिसके बाद जून में सोवियत संघ ने अपना मिशन बदलापुर शुरू किया, यानी कि ऑपरेशन वेग्रेशन, और यह ऑपरेशन ऑपरेशन बार भरोसा का बदला था, यानी कि यह ऑपरेशन उसी दिन शुरू किया गया था जिस दिन ऑपरेशन बार भरोसा की भी शुरुआत की गई थी, यानी कि 23 जून। इस ऑपरेशन में 40,000 सोवियत सैनिक, 7,500 टैंक, 62,000 मोर्टार या ऑटोमेटिक गन और 6,100 सोवियत एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। यह ऑपरेशन बहुत ही बड़े स्तर पर था, जिसके बाद बेलारूस की राजधानी मिंस्क पर सोवियत आर्मी ने वापसी कब्जा कर लिया। साथ ही अगस्त आते आते सोवियत आर्मी ने सभी महत्वपूर्ण पुलों और रेलवे लाइनों का संपर्क काट दिया, जिससे जर्मन की आपूर्ति 60% तक घट गई। जिसके बाद सोवियत आर्मी ने बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और जर्मन आर्मी को पीछे धकेल दिया। इस ऑपरेशन में जर्मन आर्मी के 17 डिवीजन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे और सोवियत आर्मी वर्सा यानी कि पोलैंड की राजधानी के करीब आ चुकी थी,
जिसके बाद ऑपरेशन जेसी क्रिश्नीव के तहत सोवियत आर्मी रोमानिया में घुस चुकी थी। और दोस्तों वो कहावत है ना कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे हुए बोने के पैर पर भी कुत्ता काट लेता है, यहाँ वो आदमी हिटलर था। क्योंकि जब एक्सिस पावर युद्ध में हार रही थी तो रोमानिया के कई नेताओं ने गुप्त तरीके से सोवियत संघ और बाकी देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि राजा मिहाई और उनके समर्थकों ने एंटोगल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और राजा ने 23 अगस्त 1944 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। आर्मेनिया के राजा का तर्क यह था कि एलाइड पावर को ज्वाइन कर लेंगे तो शायद हम हार से बच जाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्मेनिया को बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर करना पड़ा और सोवियत संघ ने युद्ध के बाद आर्मेनिया के 90% हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पोलैंड की राजधानी वारसा में भी भारी विद्रोह हुआ जर्मन्स के खिलाफ, इस आशा के साथ कि सोवियत संघ उनकी मदद करेगा। लेकिन अपनी कम्युनिज्म की विचारधारा के कारण रेड आर्मी ने मदद नहीं की और इस विद्रोह को जर्मन्स ने दबा दिया। इसके साथ ही चेकोस्लोवाकिया में भी फासीवाद के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ जिसे जर्मन्स ने दबाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन यह विद्रोह पूरी तरीके से नहीं दब पाया और बाद में गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए इन विद्रोहियों ने एलाइड पावर की काफ़ी मदद भी की। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड और सोवियत संघ की सेनाओं ने 19 सितंबर 1944 को मास्को ट्रीटी पर फिर से साइन किया और अब फिनलैंड को जर्मनी के खिलाफ अभियान शुरू करने पड़े। रोमानिया पर अपने सफल हमले के बाद सोवियत संघ का अगला निशाना था बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया, जिसके तहत सोवियत संघ ने ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख बड़े शहर बुडापेस्ट की घेराबंदी 29 दिसंबर 1944 से लेकर 13 फरवरी 1945 तक की। शहर पर कब्जा करने के बाद जर्मन सेना ऑस्ट्रिया की झील वॉल्टन पर एक ऑफेंसिव लाइन बनाकर खड़ी थी, जिसमें उन्होंने 15 मार्च तक सोवियत हमलों को आगे बढ़ने से रोके रखा। वहीं हम अगर वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो हमें पता है कि डी डे यानी कि नॉर्मेंडी लैंडिंग के बाद से दिसंबर तक ब्रिटिश और यूएसए और बाकी देशों की आर्मी फ्रांस में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, वो जर्मनी में घुसना शुरू कर चुकी थी। बैटल ऑफ वॉल्क के बाद से मार्च तक वेस्टर्न फ्रंट पर अलाइड पावर काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। वहीं अब सोवियत आर्मी अप्रैल तक वियना में भी घुस चुकी थी और अब स्टालिन ने अपने प्रमुख जनरल्स को सख्त निर्देश दिए थे कि वो जल्द से जल्द बर्लिन पर कब्जा करे। स्टालिन यूएसए और ब्रिटेन से पहले बर्लिन पर कब्जा करना चाहता था। स्टालिन को अपनी सेना की परवाह नहीं थी क्योंकि देशभक्ति के नाम पर सोवियत आर्मी में दिनों दिन नए नए युवा भर्ती हो रहे थे। स्टालिन ने बर्लिन पर कब्जे के लिए अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। सेंट्रल की कमान थी मार्शल जुकोव के हाथों में, साथ ही साउथ फ्रंट की कमान थी मार्शल कोनेप के हाथों में। दरअसल स्टालिन चाहता था कि इन दोनों के बीच कंपटीशन बने कि कौन पहले बर्लिन पर कब्जा करता है, क्योंकि दूसरी ओर यूएसए और ब्रिटेन राइन नदी पार कर चुके थे। हालांकि स्टालिन के इस निर्णय को इन दोनों ही जनरलों ने दिल पर ले लिया और ये दोनों ही आगे बढ़े। इससे पहले ही बर्लिन पर हवाई हमले काफ़ी पहले ही शुरू हो चुके थे। बर्लिन शहर अब एक खंडहर की तरह बन चुका था। हिटलर अब एक भूमिगत बंकर में बैठा अपने निर्देश दे रहा था। मार्शल जॉर्ज जुकोव, जो कि सेंट्रल फ्रंट पर बेलारूसियन डिवीजन के कमांडर थे, उन्हें अब बर्लिन पर कब्जा करने के लिए सिलो हाइट्स पर कब्जा करना था, जो कि बर्लिन जाने का एक प्रमुख गेट था। और 16 अप्रैल को इस हमले की शुरुआत की गई तथा 19 अप्रैल तक जर्मन्स को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जल्दबाजी की इस लड़ाई में लगभग 40,000 सोवियत सैनिक मारे गए। हालांकि रेड आर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यानी 10 लाख के करीब। वहीं दूसरी ओर सिलो हाइट्स की रक्षा के लिए लगभग 1 लाख जर्मन सैनिक ही थे, जिसके कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा और 13,000 जर्मन सैनिक भी मारे गए। जिसके बाद 20 अप्रैल 1945 को हिटलर के 56वें जन्मदिन पर मार्शल जुकोव ने भारी हमले किए। उन्होंने हिटलर के जन्मदिन के मौके पर उन्हें गिफ्ट देने की कोशिश की और बर्लिन पर भारी गोलाबारी भी की। 24 अप्रैल तक हिटलर काफ़ी गुस्सा हो चुका था अपने जनरल्स पर। विश्व युद्ध की शुरुआत में वह बहुत ही जोशीला और जवान था, लेकिन पिछले 4 सालों में अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ कांपने लगे थे, उसके कंधे अब झुक चुके थे। उसने अब बर्लिन को अपना नया कमांडर बना दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य बल इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। बर्लिन ने लगभग 60,000 का एक नया सैन्य बल इकट्ठा भी किया, जिसमें बूढ़े बच्चे व महिलाएं शामिल थी, और इन्हें अब बर्लिन की रक्षा करनी थी। वहीं अब बेलारूसियन डिवीज़न के कमांडर जुकोव और यूक्रेनियन डिवीज़न के कमांडर मार्शल कोनेव दोनों ही अब तक अपने लाखों सैनिकों के साथ बर्लिन को चारों ओर से घेर चुके थे। अब वो बर्लिन में घुस चुके थे। अब तक हिटलर भी समझ चुका था कि अब हार नज़दीक है।
उसे कई बार उनके जनरल्स ने सुझाव दिया कि उन्हें अब बर्लिन छोड़ देना चाहिए और जापान चले जाना चाहिए, लेकिन हिटलर नहीं माना और उसने 30 अप्रैल को दोपहर में अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली और अपनी वसीयत के हिसाब से जोसेफ गोएबेल्स को नया चांसलर बना दिया। जब बिना शर्त समर्पण की बारी आई तो गोएबेल्स ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बेडलिंग ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की घोषणा कर दी। इस तरह से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन जर्मनी में शांति स्थापित होने में सालों लग गए, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो चुका था लेकिन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की नई विचारधारा के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, यानी कि कोल्ड वॉर। वहीं आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ पूर्वी मोर्चे के बारे में बात की है, लेकिन अब अगले वीडियो में हम वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पश्चिमी मोर्चे के बारे में भी बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू 1944 का वह समय जब जर्मनी पर दो तरफा हमले शुरू हो चुके थे, दोनों ओर से एलाइड तेजी से बढ़ते जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जर्मन सोल्जर की संख्या में कमी आने लगी, जर्मनी हार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हिटलर अभी भी अपने लोगों को यह समझाने में लगा था कि उसके पास अभी भी ऐसा कुछ है जिससे वो हारी हुई बाजी जीत जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा समय तक दुश्मन देशों को बर्लिन तक पहुँचने से रोकना है। इसलिए उसने आदेश दिया कि 16 से लेकर 65 साल तक के सभी जर्मन नागरिक सेना में शामिल हों। दोस्तों, यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 16 साल का बच्चा अपने पिता और दादा दोनों के साथ युद्ध लड़ रहा था, जर्मनी के लिए, हिटलर के लिए। तो दोस्तों, अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा कि 6 जून की सुबह फ्रांस के उत्तर में नॉर्मेंडी बीच पर अलाइड पावर यानी कि यूएसए, ब्रिटेन और ब्रिटिश कनाडा की फोर्सेस नॉर्मेंडी के अलग अलग बीचेस पर उतर चुकी थी। अपने शुरुआती नुकसान के बावजूद हवाई हमलों की सहायता से उन्होंने नॉर्मेंडी के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और एटलांटिक वॉल के इस हिस्से को तोड़ दिया था। जर्मन सेना को सही समय पर सहायता न मिलने के कारण वो पीछे हटती जा रही थी। अब एलाइड पावर को फ्रांस में आगे बढ़ना था, जिसके तहत ब्रिटिश और ब्रिटिश कनाडाई फोर्सेस ने ऑपरेशन पर्च शुरू किया, जिसके तहत केन शहर पर कब्जा करना था। लेकिन यहाँ शुरुआती अंग्रेजों द्वारा की गई गलती के कारण वो इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस शुरुआती लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने 38 टैंक व 6000 सैनिकों को खो दिए। वही जर्मन्स ने भी अपने 131 टैंक खो दिए और 6000 सैनिकों को भी खोया। ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी केन शहर पर जर्मन्स का अधिकार रहा। 13 जून तक अंग्रेजों ने इस ऑपरेशन को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिकों ने कैरेंटन शहर पर हमले की शुरुआत कर दी। इससे पहले पैराशूट के माध्यम से उतरे सैनिकों ने शहर के मुख्य पुलों पर कब्जा कर लिया था। 8 जून से शुरू हुए इस हमले में 14 तक अमेरिकियों ने कैरेंटन शहर पर आसानी से कब्जा कर लिया। इसी दौरान 10 जून को जर्मन एसएस पंजर डिवीजन ने एक फ्रांसीसी गांव ओराडोर सुर ग्लेन में एक बहुत ही दर्दनाक नरसंहार किया, जिसमें गांव में रहने वाले पुरुषों को गोली मार दी गई और बच्चे और महिलाओं को चर्च में बंद करके आग लगा दी गई। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। इसके बाद 26 जून को ऑपरेशन स्पॉर्म की शुरुआत की गई, जिसके तहत केन शहर पर फिर से कब्जा करना था, जिसमें वो अपने पिछले ऑपरेशन में फेल रहे थे। दरअसल ऑपरेशन पर्च के समय विलस वोकेज की लड़ाई के दौरान जर्मन टाइगर टैंकों ने इस ऑपरेशन को फेल कर दिया था, जिसके बाद जनरल मोंटगोमरी को एहसास हुआ कि एक बड़े हमले की जरूरत है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनरल इरविन रोमेल का ध्यान भटकाना था, ताकि ऑपरेशन कोबरा जैसे प्रमुख हमले शुरू किए जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन में ब्रिटिश आर्मी को काफी नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद ऑपरेशन विंडसर और ऑपरेशन चार्नवुड के तहत केन शहर के उत्तरी हिस्सों पर ब्रिटिश और कनाडाई आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन दक्षिणी हिस्सा अभी भी जर्मन्स के कब्जे में था। इसी दौरान अमेरिकियों ने सेंट लॉ की लड़ाई में जर्मन्स को हरा दिया था और 19 जुलाई तक शहर पर कब्जा कर लिया था। सेंट लॉ पर कब्जे के बाद अमेरिकन्स ने ऑपरेशन कोबरा की शुरुआत की। इस ऑपरेशन ने फ्रांस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ऑपरेशन 25 जुलाई को शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 1000 विमानों ने 4000 टन तक बम गिराए थे और ये हवाई हमले इतने खतरनाक थे कि इसमें कुछ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी सैनिकों ने तो अपने ही विमानों पर
गुस्से में आकर गोलीबारी की। लेकिन 31 जुलाई तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिकियों ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया कुछ ही दिनों में। दूसरी ओर ब्रिटिश और कनाडाई सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन स्प्रिंग के तहत केन शहर से आगे बढ़ा गया, जिसके कारण फॉलाइट पॉकेट की लड़ाई में लगभग 1.5 लाख जर्मन सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया गया। हालांकि हजारों सैनिक भागने में सफल भी रहे, लेकिन लगभग 20,000 जर्मन सैनिक मारे गए और 50,000 के करीब जर्मन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने फ्रांस के उत्तरी अभियानों की सफलता के दौरान ही एलाइड पावर ने ऑपरेशन ड्रैगन की शुरुआत की। दरअसल यह ऑपरेशन नॉर्मेंडी लैंडिंग के साथ ही होना था, यानी कि दक्षिणी फ्रांस में भी नेवल ऑपरेशन के तहत एलाइड सोल्जरों को उतारना था, लेकिन संसाधन की कमी के कारण यह ऑपरेशन उस समय नॉर्मेंडी लैंडिंग के समय स्थगित कर दिया गया। तेहरान सम्मेलन के दौरान स्टालिन ने भी इस पर प्रमुख जोर दिया था, लेकिन चर्चिल ने नॉर्मेंडी को ही चुना था। इसलिए 15 अगस्त को अंत में इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसमें अमेरिका तथा फ्रांस के लगभग 5,76,000 सैनिकों को दक्षिणी फ्रांस में उतारा गया। हालांकि शुरुआत में लगभग 25,000 सैनिकों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी इस ऑपरेशन की शुरुआत के 4 हफ्तों के अंदर ही दक्षिणी फ्रांस के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया और लगभग 1,31,000 जर्मन सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी दौरान 19 अगस्त को पेरिस में भी विद्रोह हुआ जर्मन्स के खिलाफ, तथा फॉलाइट पॉकेट में जर्मन्स को घेरने के बाद पेरिस का रास्ता साफ हो गया था और 25 अगस्त तक पेरिस को भी आजाद कर लिया गया। पेरिस की स्वतंत्रता के बाद एलाइड पावर के सर्वोच्च कमांडर ड्वाइट आइजनहोवर ने व्यापक मोर्चे पर राइन नदी की ओर बढ़ने का फैसला लिया, जिसमें उत्तरी मोर्चे पर जनरल सर बर्नार्ड मॉन्टगोमरी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि सेंट्रल में जनरल उमर ब्रॉडली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं ऑपरेशन ड्रैगन के बाद साउथ फ्रांस में लेफ्टिनेंट जनरल जेकब डेवर्स अपनी सेना के साथ साउथ में आगे बढ़ रहे थे। उत्तर में गॉर्डन मॉन्टगोमरी ने ऑपरेशन मार्केट गार्डन की शुरुआत की, जो कि एक आश्चर्यजनक फैसला था। दरअसल इस ऑपरेशन के तहत 17 सितंबर को राइन नदी को पार करने की कोशिश की गई और नीदरलैंड को मुक्त करने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 10,000 अमेरिकी व ब्रिटिश सोल्जरों को हवाई लैंडिंग के जरिए उतारा गया, लेकिन यह हमला पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक अपनी सही जगह पर उतरने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण लगभग 8,000 सोल्जर शुरू में ही मारे गए। लेकिन फिर भी सितंबर के आखिरी तक एलाइड पावर ने नीदरलैंड बेल्जियम के काफ़ी बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसी सितंबर में ब्रिटिश सेना ने ब्रसेल्स और एंटवर्प को आज़ाद कर लिया था। हालांकि एंटवर्प के बंदरगाह को शुरू करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपनी लगातार हार के कारण हिटलर परेशान हो चुका था, इसलिए इन सभी हार का जिम्मेदार इरविन रोमेल को माना गया। ये वही इरविन रोमेल है जिन्होंने अफ्रीका इन्वेजन के दौरान जर्मनी को कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जिताई। एक समय तो ब्रिटिश और अमेरिकी जनरल्स ने भी इरविन रोमेल का लोहा माना था, लेकिन वही इरविन रोमेल अब फ्रांस में लगातार हार का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी सेना एलाइड के सामने काफ़ी कमज़ोर थी। इरविन ने हिटलर से युद्ध खत्म करने की अपील भी की थी, लेकिन हिटलर नहीं माना, तथा अंत में 14 अक्टूबर को रोमेल ने आत्महत्या कर ली, जिनके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। अब दिसंबर आते आते सर्दियों के मौसम भी अपने उफान पर थे, इसी का फायदा उठाते हुए हिटलर ने अपने आखिरी आक्रमण की प्लानिंग की, यानी कि द बैटल ऑफ द वल्ग। यह ऑर्डिनेंस के जंगल में लड़ी गई प्रमुख लड़ाई थी, जिसे ऑर्डिनेंस काउंटर ऑफेंसिव के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई का प्रमुख उद्देश्य था एंटवर्प के बंदरगाह पर कब्जा करना, जिसका इस्तेमाल एलाइड फोर्सेस कर रही थी। साथ ही एलाइड फोर्सेस की 4 प्रमुख डिवीजनों को नष्ट भी करना था, जिसके कारण एलाइड पावर जर्मनी से शांति संधि के लिए मजबूर हो। दरअसल ऑर्डिनेंस पर आक्रमण में एलाइड पावर ने 4 से 5 हफ्तों में देरी भी की, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। क्योंकि युद्ध की शुरुआत में एलाइड पावर ने फ्रांस में मौजूद रेलवे लाइन और पुलों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, जिसका उन्हें फायदा भी मिला, क्योंकि जर्मन्स आपूर्ति की कमी के कारण पीछे हटने लगे थे। लेकिन जब जर्मन्स फ्रांस में बाहर हो चुके थे, तो यही परेशानी अब एलाइड पावर के साथ भी हुई, क्योंकि उन्हें संसाधन जुटाने में काफ़ी समय लगा। और नवंबर आते आते सारी की सारी एलाइड फोर्सेस संसाधनों की कमी महसूस कर रही थी, क्योंकि एंटवर्प पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन एंटवर्प के बंदरगाह को खोलने में काफ़ी समय लग गया, तथा 28 नवंबर तक यह बंदरगाह खोला गया, जिस पर हिटलर कब्जा करना चाहता था। और अगर ऐसा हो जाता तो एलाइड पावर हारने के कगार पर आ सकती थी,
क्योंकि बिना गोला बारूद और खाने के कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। आगे बढ़ने में हुई देरी के कारण जर्मन डिविजन संगठित हो चुके थे। उन्होंने लड़ाई के लिए ऑर्डिनेंस के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों को चुना। इसके प्रमुख कारण यह भी थे कि वो अपनी भारी संख्या को छुपा सकते थे और साथ ही इन जंगलों में हवाई हमले इतने कारगर भी साबित नहीं हो पाते। ऊपर से ठंड का मौसम और कोहरे का सही उपयोग भी जानते थे। जबकि दूसरी ओर एलाइट के सर्वोच्च कमांडर आइजनहोवर ने उत्तरी सागर से लेकर स्विट्जरलैंड तक अपनी पूरी सेना को 87 डिवीजनों में बांट रखा था। जर्मन्स का लक्ष्य था इन डिवीजनों को बीच में काटकर फिर इन पर दो तरफा हमले करने का था। जर्मन आर्मी की कमान मार्शल गॉर्ड वॉन के हाथों में थी और मार्शल गॉर्ड वॉन का कहना था कि हिटलर चाहते हैं कि मैं ऑर्डिनेंस के रास्ते से ब्रसेल्स पर कब्जा करूं और एंटवर्प को वापस लूं, लेकिन यह सिर्फ एक जुआ है। दरअसल हिटलर इतिहास को दोहराना चाहता था क्योंकि इन्हीं जंगलों के रास्ते उसने 4 साल पहले सिर्फ एक दिन में फ्रांस को युद्ध में हरा दिया था और फ्रांस व ब्रिटेन की सेना को डंकर्क में फंसा दिया था। लेकिन अब हिटलर के आदेशों का पालन करना भी जरूरी है क्योंकि हिटलर बाबा से बहस करना तो बेकार है। ऑर्डिनेंस के जंगलों की सीमा यानी कि 80 किलोमीटर के दायरे में 101 भी अमेरिकी एयरबोन डिवीजन तैनात थी। इस तरह से 16 दिसंबर को 6th SS पंजर डिवीजन ने उत्तर से, 5th SS पंजर डिवीजन ने सेंटर से और 7th डिवीजन ने साउथ से हमला शुरू किया, जिनके साथ लगभग 2600 टैंक भी शामिल थे और लगभग 4,05,000 का सैन्य बल भी शामिल था। शुरुआती लड़ाई में 2,28,000 अमेरिकी सैनिक ही शामिल थे क्योंकि एलाइट को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कोई हमला होगा। कहा जाता है कि एलाइट पावर के सर्वोच्च कमांडर आइजनहोवर तो आराम करने के मूड में थे इस हमले से पहले, जिसके कारण शुरुआती हमलों में अमेरिकी सैनिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 17 दिसंबर के दिन 12:30 बजे के करीब 7th अमेरिकी वक्तरवन डिवीजन को जर्मन्स ने घेर लिया, जिसके कारण 150 अमेरिकी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। लेकिन जर्मन्स ने उन्हें लाइन में खड़ा किया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण लगभग 87 अमेरिकी सैनिक तो तुरंत उसी समय मारे गए, लेकिन कुछ सैनिक जंगलों में भागने में कामयाब रहे। 24 दिसंबर तक मौसम के साफ होने के बाद एलाइट वायुसेना ने अपने हवाई हमले शुरू किए, जिसमें जर्मन्स को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही जर्मन्स के पास अब गोला बारूद और पेट्रोल डीजल तक के संसाधनों की कमी होने लगी। लेकिन फिर भी नए साल के दिन लुफ्टवाफ यानी कि जर्मन वायुसेना ने ऑपरेशन बेस प्लेट शुरू किया, जिसके तहत एलाइट पावर के विमानों को जमीन पर ही नष्ट कर दिया जाना था, जिसमें वे सफल भी हुए और लुफ्टवाफ ने 465 विमानों को जमीन पर ही नष्ट कर दिया। लेकिन अपनी घटती आपूर्ति और अमेरिकन के मजबूत होने की स्थिति के कारण यह हमला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। 2 जनवरी तक 7 लाख अमेरिकी सैनिक इस हमले में शामिल हो चुके थे, जबकि जर्मन्स की संख्या अभी 4 लाख ही थी। नतीजा यह हुआ कि अब हिटलर को भी अब जीत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, तथा 7 जनवरी को हिटलर जर्मन्स की वापसी पर सहमत हो गया और 14 जनवरी तक जर्मन्स ने इस क्षेत्र से वापसी शुरू कर दी, तथा 23 जनवरी तक अमेरिकियों ने वापस इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से हिटलर की आखिरी कोशिश भी अब नाकामयाब हो गई। विंस्टन चर्चिल ने इस लड़ाई को वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी अमेरिकी लड़ाई कहा, जिसमें लगभग 90,000 अमेरिकन्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिसके बाद फरवरी 1945 में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच एक मुलाकात हुई याल्टा में, जिसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि जब कद्दू कटेगा तो कैसे बटेगा, यानी कि वो अब दोनों ओर से जर्मनी को घेर चुके थे और जर्मनी की हार तय दिख रही थी। इस सम्मेलन में यह परिणाम निकला कि जर्मनी को यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस व यूएसएसआर के बीच 4 भागों में बांट लिया जाएगा। दूसरा यह है कि बर्लिन सोवियत क्षेत्र में आएगा, इसलिए बर्लिन को भी 4 भागों में बांटा जाएगा। तीसरा यह है कि जर्मनी द्वारा कब्जा किए गए देशों को भी स्वतंत्रता दी जाएगी और वहाँ की जनता लोकतंत्र के जरिए अपनी सरकार चुनेगी, फिर वो कम्युनिज्म को चुने या लोकतंत्र को, यह उनकी एक मर्जी। चौथा यह कि जर्मनी की हार के तुरंत बाद यूएसएसआर जापान के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा करेगा और साथ ही अंत में एक मजबूत यूएन की स्थापना भी की जाएगी। इसी दौरान जर्मनी के बाद से पश्चिमी मोर्चा धीमी गति से जर्मनी की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि राइन नदी उसके रास्ते पर एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी थी, जिसके महत्वपूर्ण पुलों को जर्मन्स पहले ही नष्ट कर चुके थे। जिसके बाद मार्च आते आते राइन नदी पर कोलोनले और रेमेगेन पर एलाइट आर्मी ने नए पुलों का निर्माण कर लिया था, जिसके बाद वो अब आगे बढ़े। वहीं 1 अप्रैल को इटली में मौजूद जर्मन बलों पर भी भारी आक्रमण किए गए। एलाइट पावर अब धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ती जा रही थी।
लेकिन अपनी सेना की जीत को राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं देख पाए और 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया। वहीं 28 अप्रैल आते आते मुसोलिनी की हत्या भी की जा चुकी थी, जिसके बाद 30 अप्रैल को हिटलर की मौत के बाद 2 मई को इटली में भी जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह से हिटलर के शासन का अंत हुआ और अब जर्मनी पर सभी एलाइड पावर ने कब्जा कर लिया। हालांकि यूएसएसआर की तुलना में एलाइड पावर को नुकसान उतना नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस व कनाडाई सेना एक रणनीति के तहत आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर एलाइड पावर ने अपने जितने सैनिकों को खोया था उनमें 70% तक अमेरिकी सैनिक शामिल थे। तो दोस्तों, यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन जापान अभी भी युद्ध में अकेले लड़ रहा था, जीत के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि हारते हारते कुछ तो मिल जाए। दोस्तों, हम अब तक यूरोप में जर्मनी, इटली व बाकी एलाइड कंट्रीज की पोजीशन देख चुके हैं, इसलिए अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया की ओर, जहां एक और एक्सिस पावर थी जो एलाइड पावर को अकेले ही टक्कर दे रही थी, यानी कि इंपीरियल जापान। वैसे तो हम इस टॉपिक पर अब तक पहले ही 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए अब हम एक ही वीडियो में बाकी प्रमुख घटनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान, ब्रिटेन व फ्रांस और अमेरिका के साथ ही था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से जापान की नीतियों में काफ़ी बदलाव आया। जापान में औद्योगिक विकास होने के बाद से जापान की ज़रूरतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जापान के पास कृषि योग्य भूमि बस नाम मात्र की थी, उसे कच्चे माल के लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऊपर से फ्रांस, ब्रिटेन व बाकी यूरोपीय देशों की कॉलोनाइजेशन नीति, जापान अब तक देखते देखते इन देशों से काफ़ी कुछ सीख चुका था। मतलब सीधा सा अर्थ है कि तुम करो तो धर्म और हम करें तो अधर्म, ये कौन सी बात हुई। इसलिए जापान ने भी अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए साम्राज्यवाद की नीतियां अपनानी शुरू कर दी। उस समय साउथ ईस्ट एशिया में सभी यूरोपीय देशों ने अपनी अलग अलग कॉलोनियां स्थापित कर ली थी, जिनमें ब्रिटिश, स्पेन, फ्रांस व डच की अलग अलग कॉलोनियां थी। हालांकि स्पेन की कॉलोनी फिलीपींस 1898 के बाद से अमेरिका की एकमात्र कॉलोनी बन चुकी थी। जापान ने रूसो जैपनीज वार के दौरान भी अपनी योग्यता विश्व भर में साबित कर दी थी, जिसमें जापान ने रशिया जैसी बहुत बड़ी ताकत को एक तरफा हरा दिया था और 1910 आते आते कोरियन पेनिनसुला पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं अगर हम जापान अमेरिका के पिछले संबंधों की बात करें तो 1920 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन जापान की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकतों को देख रहे थे, जिसमें उन्होंने जापान की बढ़ती हुई समुद्री ताकतों को कम करने के प्रयास भी किए, क्योंकि ब्रिटेन जापान को अब एक उभरते हुए दुश्मन के रूप में देख रहा था। इसी बीच 1930 में आया ग्रेट डिप्रेशन का साल, जिसमें जापान में भी काफ़ी बदलाव हुआ था और 1931 आते आते जापान और अमेरिकी संबंधों में खटास भी आ चुकी थी, जिसके बाद 1931 में जापानी सेना ने मंचूरिया पर हमले की शुरुआत कर दी और मंचूरिया पर कब्जा करके उसका नाम मंचूको रख दिया। साथ ही वहां पर अपनी एक कठपुतली सरकार भी बैठा दी। अमेरिका ने इसका विरोध तो किया, लेकिन जापान के साथ अपने व्यापार को देखते हुए ज़्यादा नहीं, जिसके बाद जापान ने आगे बढ़ते हुए 1937 में चीन पर युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसमें अमेरिका ने चीन का पक्ष लिया और जापान की बढ़ती साम्राज्यवादी नीति से परेशान होकर रूजवेल्ट ने 1940 में तेल, गैसोलीन और आयरन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद जापान ने अमेरिका को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, क्योंकि जापान का लगभग 80% तेल आयात अमेरिका से ही होता था। अमेरिका ने जापान पर प्रतिबंध जापान को रोकने के लिए लगाए थे, लेकिन उल्टा जापान और भड़कता जा रहा था, जिसके कारण अंत में जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि जापान ने नवंबर 1941 तक भी अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक संबंध चालू रखे, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अमेरिका कोई ना कोई तो छूट देगा ही, लेकिन यह उसकी उम्मीद तब टूट गई जब 26 नवंबर 1941 को अमेरिकी विदेश मंत्री कोयल पतवार ने वाशिंगटन में मौजूद एक जापानी राजदूत को एक पतवार नोट दिया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि प्रतिबंध तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि जापान चीन से अपने सैनिकों को नहीं हटा लेता, साथ ही इंडो चाइना से भी जापान को अपने सैनिक हटाने होंगे, साथ ही जर्मनी और इटली के साथ जो पिछले साल गठबंधन बनाया है उसे भी खत्म करें, जिसके बाद जापान का कहना था कि भाई हमारी जान मांग लेते तो हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमारा गुरूर ही मांग लिया। दरअसल अपनी तेल की आपूर्ति के लिए जापान के पास एक और विकल्प था, वो था डच ईस्ट इंडीज कॉलोनी, यानी कि आज का इंडोनेशिया। इसलिए जापान ने अमेरिका से संबंध सुधारने के बजाय अमेरिका पर एक भयंकर हमले की साजिश रची। उस समय जैपनीज नेवी को अमेरिकन नेवी ही टक्कर दे सकती थी प्रशांत क्षेत्र में,
इस जैपनीज नेवी के कमांडर एडमिरल यामामोटो ने हवाई में स्थित पर्ल हार्बर पर एक जोरदार हमले की योजना बनाई, जिससे वे सफल भी हुए। जब 7 दिसंबर 1941 को इस हमले में अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट और अमेरिकन सोल्जर और छोटे बड़े समुद्री बेड़े तबाह हो गए, लेकिन इस हमले में अमेरिकन प्रमुख समुद्री बेड़े बच गए क्योंकि वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। इस हमले का परिणाम यह हुआ कि अगले ही दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक्सिस पावर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके कुछ ही दिनों के बाद जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 8 दिसंबर को जापान ने हांगकांग पर हमला शुरू किया, जिसके बाद जैपनीज नेवी ने ब्रिटिश युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स को भी बर्बाद कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमले के 17 घंटों के बाद ही यानी कि 8 दिसंबर को इकलौती अमेरिकन कॉलोनी फिलीपींस के लुजान द्वीप पर मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर भी बमबारी शुरू कर दी गई, जिसमें अमेरिका के कई विमान जमीन पर ही नष्ट हो गए। ये हमले एकदम से और बड़ी ही योजना के साथ शुरू किए गए थे, जिसके बाद 25 दिसंबर तक हांगकांग में भी ब्रिटिश सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद जापान का प्रमुख लक्ष्य था डच ईस्ट इंडीज यानी कि आज का इंडोनेशिया, जहां पर जापान को ऑयल मिलने की उम्मीद थी, जिसके तहत दिसंबर 1941 के अंत में जापानी सेना की लैंडिंग शुरू हो चुकी थी। 3 अलग अलग जापानी बटालियन को ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट हिस्सों को कब्जाने के अलग अलग लक्ष्य दिए गए थे, जिसमें वे सफल भी हुए और अपनी वायुसेना के इस्तेमाल से तारकान और वालीपाटन के हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया। उस समय डच, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की संयुक्त आर्मी जापान के सामने टिक नहीं पाई थी और 8 मार्च 1942 को सरेंडर कर दिया। इन अभियान के दौरान ही 8 दिसंबर से मलाया पर भी जापानी कब्जा शुरू हो चुका था, जहां मलाया में ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलाया की सेना जैपनीज आर्मी से लड़ रही थी, जिसमें लगभग 140,000 जवान शामिल थे और साथ ही 253 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। लेकिन दूसरी ओर मात्र 70,000 की सैन्य क्षमता वाली जैपनीज आर्मी थी। लेकिन जैपनीज हमले इतनी योजना से हुए थे कि परिणाम यह हुआ कि जापान ने 15 जनवरी तक मलाया पर कब्जा कर लिया, साथ ही सिंगापुर सहित कई क्षेत्रों से 130,000 एलाइड पावर के सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद थाईलैंड की मदद से जापान ने अपना बर्मा कैंपेन शुरू किया, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। जिसके बाद जापान का अगला अभियान था पपुआ न्यू गिनी पर कब्जा करना और ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना, और यह अभियान वर्ल्ड वॉर टू के सबसे लंबे अभियानों में से एक था, और यह अभियान 20 जनवरी 1942 को द्वीप के उत्तरी सिरों से शुरू हुआ था और भारी जीत के साथ भी शुरू हुआ था, जो कि बाद में जापान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने वाला था। तो दोस्तों, अब तक प्रशांत और हिंद महासागर के कई क्षेत्रों पर जापान कब्जा कर चुका था। उसने यह सब अकेले दम पर किया था। इटली या जर्मनी से उसे कोई सैन्य सहायता नहीं मिली थी। हालांकि बर्मा कैंपेन के दौरान थाईलैंड की सरकार ने जापान की सहायता जरूर की थी। साथ ही ब्रिटिश, डच व फ्रांस की कॉलोनियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे राष्ट्रवादियों ने जापान की सहायता जरूर की थी, जिसमें आजाद हिंद फौज का नाम भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर जापान के खिलाफ ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया यानी कि आज का हमारा प्यारा भारत, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, डच और जापान द्वारा कब्जाए गए देशों की स्थानीय आर्मी थी। साथ ही मेक्सिको ने भी हवाई सहायता दी थी और फ्रांस ने भी देवी के साथ जापान के खिलाफ सहायता की थी। जापान के अगले लक्ष्य की बात करें तो वो था ऑस्ट्रेलिया का संपर्क बाकी मित्र देशों से तोड़ना था, मतलब कि पोर्ट मोरिसबी पर कब्जा करना था। अगर जापान इस पोर्ट पर कब्जा कर लेता तो वो बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया को घेर लेता। इससे पहले फरवरी में जापानी वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर पर बमबारी की थी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे भी गए थे। लेकिन अगर जापान पोर्ट मोरिसबी पर कब्जा कर लेता तो वो बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों पर हवाई हमला कर सकता था। इसलिए जापानी नौसेना ने मई 1942 के दौरान कोरल सागर में अपने युद्ध पोत के साथ कोशिश भी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना समय पर आ गई थी। कोरल सी की लड़ाई के दौरान अमेरिकी नौसेना को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उतना भी नहीं हुआ जितना जापान ने सोचा था। मतलब जापान को लगा कि अमेरिकी युद्धपोत यॉर्कटाउन इस हमले में नष्ट हो चुका है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोरल सी की लड़ाई के बाद जापानी नौसेना पीछे हट गई और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पोर्ट मोरिसबी को बचाने में सफल रही। अब यहाँ से जापान समझ चुका था कि अगर अपना घर परिवार एशिया में बढ़ाना है तो हमें अमेरिकन नेवी को नष्ट करना ही होगा। इस तरह से एडमिरल यामामोटो ने मिडवे पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इस टॉपिक पर। बैटल ऑफ मिडवे के बाद से जैपनीज नेवी को विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और पहली हार मिल चुकी थी। जापान ने अपने प्रमुख 4 युद्ध पोतों को मिडवे की लड़ाई के दौरान खो दिया था मई 1942 में।
साथ ही पर्ल हार्बर पर हमले के बाद से एलाइड पावर ने जापान के खिलाफ लगभग 468 पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया था और ये पनडुब्बियां जापान की घेराबंदी में लगी हुई थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बहुत ही सख्त आदेश दिए थे कि जापान की मदद के लिए पहुंचने वाले हर जहाज को डुबो दिया जाए। तो दोस्तों, उस समय जापान के खिलाफ एलाइड पावर की कमान संभाल रहे थे डगलस मैकआर्थर, जिन्होंने न्यू गिनी में जापान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और जनवरी 1943 तक जापान को पपुआ से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद एलाइड पावर को जब सोलोमन आइलैंड में गोडल किनाल पर स्थित जेपनीज एयरवेज की जानकारी मिली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि गोडल किनाल पर कब्जा करना यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर अपनी हवाई सीमा को मजबूत करना था। जिसके बाद अगस्त 1942 में अमेरिकी पनडुब्बियों ने एकदम से हमले शुरू किए और एलाइड पावर ने एयरबेस पर कब्जा कर लिया। जापान ने भी दोबारा कई बार कोशिशें की, लेकिन अंत में फरवरी 1943 तक जापानी पक्ष को इस हमले में काफी नुकसान हो चुका था। इसके बाद प्रशांत क्षेत्र में कई छोटे बड़े आइलैंड पर कब्जे के लिए जापान और एलाइड पावर के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें साइफन आइलैंड, लुजिमा, सभी पर अमेरिकन कब्जे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन फिलीपींस पर अमेरिकी वापसी की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण थी, जब फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर एक बहुत बड़े नौसैनिक आक्रमण की योजना शुरू की गई। जनवरी 1945 को फिलीपींस में मौजूद जापानियों पर भारी हमले किए गए, जिनमें 60 से अधिक युद्धपोत ने फिलीपींस पर एकदम से हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि लगभग 2.25 लाख जापानी सोल्जर इस हमले में मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर भूखमरी और बीमारी से मारे गए थे। अब तक जापान द्वारा कब्जाए किए गए क्षेत्रों पर जब एलाइड पावर ने बहुत बड़े और एक साथ कई हमले शुरू किए, तो जापान की ताकत बहुत हद तक कम हो चुकी थी, उसकी कमर टूट चुकी थी, इसलिए अब वो दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। और एलाइड देशों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया तथा अंत में 1 अप्रैल 1945 को अमेरिकी बेड़ों के साथ 1,80,000 अमेरिकी सैनिकों को जापान के ओकिनावा आइलैंड पर उतारा गया। और दोस्तों, बैटल ऑफ ओकिनावा और हेक्सा रिज की लड़ाई मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि यह बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने ही होंगे। ओकिनावा के बाद 5 मार्च से एलाइड पावर की वायुसेना ने जापान के मुख्य शहरों पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए थे। जापान की कमर पहले ही टूट चुकी थी, उसके पास अब पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि वो युद्ध में एलाइड पावर को टक्कर दे सके। जापान की बस यही रणनीति थी कि वो बिना शर्त के आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर ही दिया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम यूरोप में युद्ध खत्म कर चुके हैं, इसलिए आज हम पैसिफिक फ्रंट की आखिरी लड़ाई के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद जापान भी आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन वो जल्दी आत्मसमर्पण तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इस युद्ध के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट जाती है। और हाँ, यह शायद वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी वीडियो भी हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी बोर हो रहे हो। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 फरवरी 1945 आते अमेरिकियों ने फिलीपींस को जापानियों से आज़ाद करा लिया था, जिसके बाद अमेरिकियों ने 19 फरवरी को लुजिमा आइलैंड पर अपने हमले शुरू किए, जहां पर यह भीषण लड़ाई लगभग 5 हफ्तों तक चली। और अब जापानी हर मामले में कमज़ोर साबित हो रहे थे, क्योंकि मिडवे की लड़ाई के बाद से अब तक जापानी अपने कई विमान व युद्धपोत खो चुके थे, इसलिए अब वो डिफेंसिव नीति पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए लुजिमा के पहाड़ों और जंगलों का बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि जब 19 फरवरी को अमेरिकियों ने आइलैंड पर अपनी लैंडिंग शुरू की तो उन्हें कोई विरोध देखने को नहीं मिला। अमेरिकियों ने समझा कि हवाई और नौसैनिक बमबारी से जापानियों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो छिपे हुए थे। इसी कारण से अमेरिकियों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि 19 फरवरी को लगभग 60,000 अमेरिकी सैनिक इस आइलैंड पर उतरे, जिसके बाद जापानियों ने भी जवाब दिया और 25,000 के लगभग अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 7,000 सैनिकों की मौत भी हो गई। लेकिन अपनी घट रही आपूर्ति के कारण अंत में जापानी हारते जा रहे थे तथा मार्च के अंत तक अमेरिकियों ने पूरे लुजिमा आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। हालांकि कुछ जापानी सैनिक ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद गुफाओं का बखूबी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि इन जापानी सैनिकों ने 1949 तक लड़ाई जारी रखी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 4 साल बाद तक। 1949 में अंत में इन्होंने भूखमरी से परेशान होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। लुजिमा पर कब्जे के बाद अमेरिकी नौसेना को एक नया स्थान मिल चुका था, साथ ही लुजिमा पर मौजूद हवाई पट्टियों का इस्तेमाल भी अब एलाइड पावर की वायुसेना कर रही थी, क्योंकि अब यहां से जापान की मेनलैंड भूमि ज़्यादा दूर नहीं थी।
इसलिए अब जापान पर हवाई हमले और तेज कर दिए गए थे। पैसिफिक फ्रंट पर एलाइड पावर के सर्वोच्च कमांडर ने ओकिनावा पर हमले की योजना बनाई, जो कि जापान के रियोकू आइलैंड पर मौजूद है। दरअसल ओकिनावा यह वही जगह है जहां पर जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करती रहती हैं, जिस पर चीन अपनी नाराजगी दिखा चुका है। चीन की नाराजगी के बाद ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास से दूर भी हो गया था, क्योंकि सवाल धंधे का था, लेकिन यूएसए, जापान और भारत नहीं माने और उन्होंने बाद में भी युद्ध अभ्यास किए। तो दोस्तों, जापानी कमांडर मित्सुरु उसुजिमा, जो अपने 1,20,000 सैनिकों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी डिफेंसिव रणनीति बनाए रखी, जिसके तहत उन्होंने आइलैंड पर जगह जगह गहरी सुरंगों का निर्माण किया, क्योंकि उस समय ओकिनावा पर हवाई और नौसैनिक बमबारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसी से बचने के लिए उन्होंने गहरी सुरंगों का निर्माण किया, जिसका उन्हें काफ़ी फायदा भी मिला, क्योंकि 25 मार्च तक अमेरिकन व ब्रिटिश अपने डिस्ट्रॉयर सहित नौसैनिक बेड़े जापान के नॉर्थ वेस्ट में अपनी पोजीशन ले चुके थे और उन्होंने पूरे आइलैंड पर बमबारी भी शुरू कर दी थी, जिसका जापानियों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमला शुरू होते ही वो अंडरग्राउंड सुरंगों में घुस जाते थे। जिसके बाद साइमन रेलिवर वकनर की कमान के तहत लगभग 1,83,000 अमेरिकी सोल्जर ओकिनावा के मेन आइलैंड पर उतरना शुरू कर चुके थे 1 अप्रैल को, यानी कि मूर्ख दिवस के दिन। वहीं दूसरी ओर जापानी कमांडर मित्सुरु उसुजिमा ने लैंडिंग के समय हमला ना करने का निर्णय लिया और अमेरिकियों का इंतज़ार करने की योजना बनाई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकियों ने हावुसी समुद्री तट को 4 दिनों के अंदर ही सुरक्षित कर लिया। अमेरिकियों ने ओकिनावा के लगभग सेंटर में लैंडिंग शुरू की थी, इसलिए ओकिनावा की लड़ाई को 2 मोर्चों पर लड़ा गया था, यानी उत्तरी मोर्चा और दक्षिणी मोर्चा। अमेरिकियों ने लैंडिंग के कुछ घंटों के अंदर ही कोडेना और योमिटन एयरवेस पर कब्जा कर लिया था तथा 20 अप्रैल तक अमेरिकियों ने उत्तरी हिस्सों को लगभग जीत ही लिया था। हालांकि गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत छुपा छिपी की लड़ाई चलती रही थी, लेकिन ओकिनावा की असली लड़ाई दक्षिणी हिस्से में शुरू हुई थी, जहां पर 7th डिवीज़न, 27th डिवीज़न, 77th डिवीज़न और 96th अमेरिकी डिवीज़न व जापानियों के बीच मेचिनाटो लाइन पर भयंकर लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। लेकिन नौसैनिक बेड़ों ने मेचिनाटो लाइन के इस पार जापानियों पर भयंकर बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकियों ने 24 अप्रैल तक मेचिनाटो लाइन को पार कर लिया था। इसी दौरान जापानियों ने ऑपरेशन टेंगो की शुरुआत की। यह ऑपरेशन 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक चला, जिसे आप एक सुसाइड ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जापानी पायलट जिन्होंने कामाकाजी उद्देश्य के तहत अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल ये जापानी पायलट अपने विमान सहित अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करते थे और जानबूझकर अपने विमानों को इन युद्धपोत पर गिरा देते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 21 अमेरिकी युद्धपोत इस हमले में नष्ट हो गए थे और 60 अन्य युद्धपोत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कामिकाज की सफलता के बाद अमेरिकी हमले धीमे हो गए थे, इसी कारण से उसुजिमा ने डिफेंसिव नीति को छोड़कर अपने हमले तेज शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली तथा अंत में उन्हें शुरी लाइन से भी पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन टेंगो के तहत ही जापान की आखिरी उम्मीद, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा यामाटो को अमेरिकन नेवी पर हमले के लिए भेजा गया, जिसके कमान थी सेइची डचो के हाथों में। लेकिन जैसे ही यह युद्धपोत अपने मार्ग पर था, उसी समय एलाइट की पनडुब्बियों ने इसे देख लिया। उन्होंने सारी जानकारी अपने नौसैनिक बेड़ों तक पहुंचा दी। जब ये बेड़ा हमले के लिए जा रहा था, उस समय तक लगभग 1200 जापानी विमान पहले ही नष्ट हो चुके थे। इसके पास कोई हवाई कवर नहीं था। परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी विमानों ने इस बेड़े पर भयंकर बमबारी की, जिसके कारण यह बेड़ा ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाया और 7 अप्रैल को यह बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया और पानी में डूब गया। इसके साथ ही 3,700 जापानी नौसैनिक भी मारे गए। शुरी लाइन के पास अमेरिकियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन उन्होंने जापानियों को काफ़ी टक्कर दी, जिसके बाद काकाजुरी सहित हाफ मून जैसी पहाड़ियों पर भी भयंकर लड़ाइयाँ हुईं। लेकिन मई के अंत तक बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके कारण दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अब पहाड़ियों पर फिसलन बढ़ने लगी, साथ ही साथ मारे गए सैनिकों को इन बारिश ने ही दफना दिया और कब्रिस्तान बना दिया। मई के अंत तक जापानी दक्षिण में काफ़ी पीछे हट गए थे। इसी दौरान मायदा एस्कार्पमेंट, जिसे हेक्सा रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जमीन से लगभग 400 फीट ऊंची एक पहाड़ी थी, जहां पर दोनों ही पक्षों के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई 20 अप्रैल को शुरू हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान डेसमंड डी डॉस ने एक मेडिक के तौर पर लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसने हथियार ना उठाने की कसम खा रखी थी।
इस लड़ाई के दौरान जापानियों ने पहाड़ियों में अपनी सुरंगों का बखूबी इस्तेमाल किया था। जब भी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े हवाई हमले करते थे तो ये जापानी सैनिक सुरंगों में घुस जाते थे। इन्हें बमबारी का उतना कोई खास नुकसान नहीं होता था, इसलिए अमेरिकियों को हेक्सा रिज पर कब्जा करने में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अंत में 6 मई को हेक्सा रिज पर कब्जा कर लिया गया। डेसमंड डी डॉस ने इस लड़ाई के दौरान बहादुरी दिखाते हुए 75 सैनिकों की जान अकेले बचाई थी, जिसके बाद उन्हें बहादुरी का पुरस्कार भी मिला। इस हेक्सा रिज की लड़ाई और उनके जीवन पर बनी फिल्म हेक्सा रिज अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की मूवी है। तो दोस्तों, ओकिनावा की लड़ाई लगभग 82 दिनों तक चली। इस लड़ाई में अंत में जब जापान की हार नज़दीक थी तो जापानियों ने आत्महत्या का काफ़ी प्रचार किया। कई जापानी सैनिकों ने पहाड़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी तो कईयों ने हाथ गोले या ग्रेनेड से अपने आप को ख़त्म कर लिया। यही नहीं, जनरल उजिशिमा और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चो ने 22 जून को पारंपरिक ढंग से आत्महत्या की। इस युद्ध के दौरान लगभग 110,000 जापानी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक ओकिनावा में मौजूद आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं लगभग 20,000 के करीब अमेरिकी सैनिकों को भी इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही 55,000 के करीब अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे। इस पूरे हमले के दौरान एलाइड पावर के 21 युद्धपोत, 12 डिस्ट्रॉयर्स, 15 बड़े शिप, 765 विमान व 225 टैंक नष्ट हो गए थे। वहीं जापान के 7,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही एक युद्धपोत यानी कि यामामोटो सहित एक लाइट क्रूजर, 5 डिस्ट्रॉयर और 1430 विमान नष्ट हो गए थे। इस हमले के बाद एलाइट पावर ने पूरे ओकिनावा आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ अब ओकिनावा में मौजूद हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि अब यहां से जापान के मुख्य शहरों की दूरी कम हो गई थी। वहीं जापान अपनी डिफेंसिव रणनीति के तहत 20 लाख सैनिकों के साथ अपनी ज़मीन पर एलाइट पावर का इंतज़ार कर रहा था। जैसा कि हमें पता है, जापान में समतल भूमि बहुत ही कम है, जापान पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा हैं, इसलिए एलाइट देशों ने ज़मीनी हमला करने के बजाय हवाई हमलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वे जान गए थे कि जापानी अब आत्मघाती हमले करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। इसके बाद जापानी शहरों पर बमबारी बढ़ा दी गई, लेकिन जापान को जीतना इतना आसान नहीं था। वहीं अब यूरोप में युद्ध को जीतने के बाद स्टालिन भी अब जापान पर युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अब तक परमाणु बमों की खोज पूरी हो चुकी थी और अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसके बाद जापान के सम्राट ने 14 अगस्त को एलाइट पावर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अब हम द्वितीय विश्व युद्ध को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि कुछ टॉपिक छूटे हैं, लेकिन अब हम आगे बीच बीच में इन छूटे हुए टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।